नमस्कार, मैं हूँ राजश्री, हाजिर हूँ आपके सामने एक ऐसा शो लेकर जिसमें हम जानते हैं लोकतंत्र से जुड़े हुए सबसे बड़े मुद्दे को और समझने की कोशिश करते हैं कि इससे क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे लोकतंत्र में और लोकतंत्र पर, यानी कि लोकतंत्र। ये विशेष शो आपके लिए है, एक घंटे का, जिसमें हम बहस करते हैं लोकतंत्र की सेहत पर और उससे जुड़े हुए तमाम मुद्दों पर। और उसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं देश की ओर और करते हैं देश की बात, ताकि लोकतंत्र के ही चारों स्तंभों की पूरी जानकारी आपके सामने रख सकें। अपने लोकतंत्र का पूरा हाल लेने के लिए अब हम आगे बढ़ें और ऐसे तमाम मुद्दों को चुने जो हमारे देश और प्रदेश के लिए बेहद अहम है और विशेषकर देश और प्रदेश में लोकतंत्र की सेहत के लिए बेहद अहम है। तो अब हम बात करेंगे लोकतंत्र की, और आज हम जब लोकतंत्र की बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बात आती है बड़े सूबे की। और बड़े सूबे के लिहाज से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश जाहिर सी बात है कि बेहद अहम है। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद से यूपी में अपने को हाशिए पर फिर भी देख रही बीजेपी, अचानक इसमें प्राण आ गए और एक के बाद एक उसने ऐसा कुछ करने को ठान लिया कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े पार्टी के रूप में वही उभरे यदि विधानसभा चुनाव हो तो। उत्तर प्रदेश का चाहे कोई भी मुद्दा हो, बीजेपी उस मुद्दे को भुनाने की कोशिश नहीं करे, ऐसा कम से कम लोकसभा में हुई जीत के बाद तो नहीं दिखता। फिर चाहे वो दंगा हो, लव जिहाद हो, धर्मांतरण की राजनीति हो या फिर गाहे बगाहे कोई भी और मुद्दा, बीजेपी हर मुद्दे को लपक कर उस पर राज्य सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। यहां तक कि नोएडा के करोड़पति इंजीनियर यादव सिंह के मुद्दे को भी जब तब गरमाने की कोशिश चल रही है। हालांकि इन तमाम मुद्दों और गैर मुद्दों के बीच कई ऐसे अहम मसले भी हैं जो बीजेपी छोड़ देती है क्योंकि उसे वो सूट नहीं करती। बीजेपी और सपा के बीच इस तनातनी के जो मची हुई है, उसके उन तमाम तनातनी के बीच कांग्रेस कहाँ है, बीएसपी कहाँ है और आरएलडी कहाँ है? क्या ये सभी पार्टियां अपने आप को बहुत पीछे महसूस कर रही हैं इन दो पार्टियों के सामने, या फिर ये समझा जाए कि बीजेपी किसी भी तरह से लॉ को जलाए रखना चाहती है ताकि 2017 की तैयारी अभी से दिखनी शुरू हो जाए, या फिर बीजेपी इतनी ज्यादा उतावली हो गई है कि बिना मुद्दों के ही मुद्दों को गर्म कर रही है? क्या है असली मसला और समाजवादी पार्टी क्या इस पूरी रणनीति के खिलाफ खड़ी हो पाएगी? इन सभी चीजों पर आज हम बहस करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि तमाम जो दावे हैं मुद्दे के, इसके बीच जनता कहाँ है। तो हमारे लोकतंत्र में आज इसी पर बहस है और इस बहस को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ हमारे तमाम पैनलिस्ट भी जुड़ेंगे। लेकिन इसके पहले आपको एक वो रिपोर्ट दिखाऊं जिससे आप ये समझ पाएंगे कि तमाम मसलों को लपकने के चक्कर में बीजेपी कैसे कभी छोटी मोटी आग को भी बड़ी आग बनाने की कोशिश करती है, कभी जहां पर बिल्कुल कुछ भी नहीं हो वहां भी आग लगाने की कोशिश करती है। देखिए रिपोर्ट। जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी है तभी से उत्तर प्रदेश में बीजेपी हड़बड़ी में नजर आ रही है। सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी समाजवादी पार्टी में फूट का इशारा कर चुके हैं, लेकिन बाद में सफाई देते दिखे। लक्ष्मीकांत वाजपेयी से दो कदम आगे बढ़ते हुए बीजेपी विधायक संगीत सोम ने दावा कर दिया कि सपा के 25 विधायक उनके संपर्क में हैं। क्योंकि 25 से 30 विधायक तो मेरे टच में भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के टच में 100 विधायक हैं जो आज इस्तीफा देने के लिए तैयार बैठे हैं। और मुझे तो लग रहा है, और आज मैं रामलला के दर्शन करने आया हूं, मुझे लग रहा है बहुत जल्दी वो दिन आने वाला है कि वो सरकार खुद ही गिराने वाले हैं और प्रदेश में चुनाव होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इस हड़बड़ी में बीजेपी मुद्दों को लपकने की कोशिश कर रही है, चाहे लव जिहाद का मुद्दा हो या फिर धर्मांतरण का। सभी मुद्दों पर बीजेपी ने राजनीति की कोशिश की, लेकिन फिर दूसरे मुद्दे को पकड़ लिया। बरेली में सांप्रदायिक हिंसा को भी बीजेपी ने भुनाने की कोशिश की। एक प्रशासनिक अधिकारी की जो भूमिका होनी चाहिए निष्पक्ष और समन्वयात्मक, उस भूमिका से विहीन है एसएसपी धर्मवीर यादव
और वही काम उन्होंने बरेली में किया। और मैं मुख्य मानव अधिकार आयोग उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में इस प्रकरण को भेज दिया है मैंने। और मैं बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहता हूँ, संवैधानिक तरीके से हम अपनी इस लड़ाई को लड़ेंगे। मुद्दे को लेकर प्रदर्शन करने में बीजेपी बहुत तेज है, लेकिन किसी मुद्दे पर बीजेपी टिक नहीं पा रही है। फिर चाहे वो बिजली की समस्या हो या फिर नोएडा के घोटालेबाज इंजीनियर यादव सिंह का मामला, हमेशा ही अखिलेश सरकार के खिलाफ आक्रामक तेवर अपना रही बीजेपी विधानसभा में तीसरे नंबर की पार्टी होने के बाद भी सड़क पर मुख्य विपक्ष की भूमिका निभा रही है। 2017 के चुनाव में अभी लंबा वक्त है, लेकिन सवाल ये उठता है कि फिर भी बीजेपी अभी से इतनी हड़बड़ी में क्यों है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो इस पूरी बहस पे चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो से जुड़ रहे हैं बुक्कल नवाब साहब, समाजवादी पार्टी के नेता अमित पुरी जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, बीजेपी के नेता, और अरुण प्रकाश जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, उत्कर्ष सिन्हा होंगे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, और दिल्ली स्टूडियो से हमारे साथ अनिल ठाकुर जी होंगे। अगर हम बात करें बीजेपी की, तो जैसा कि हम जानते हैं कि बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी समाजवादी पार्टी को जब तक चेतावनी देते रहते हैं कि अमृत पीकर नहीं आई है, हालिया उन्होंने चेतावनी फिर से दी है। उधर बीजेपी विधायक संगीत सोम दावा करते हैं कि उनके संपर्क में 25 समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, ऐसा ही कुछ दावा लक्ष्मीकांत जी ने भी कुछ ही दिनों पहले किया था। आखिर इन तमाम मसलों के पीछे, इन तमाम दावों के पीछे आखिर लक्ष्य क्या है, ये सब कुछ समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमारे तमाम जो मेहमान हैं जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सबों का लोकतंत्र में मेरे साथ। सबसे पहले अमित जी आपके पास ही आना चाहूंगी और ये जानना चाहूंगी आपसे, बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो जुड़ा जा सकता है, जिसको उठाया जा सकता है, और पर वो सारे मसले अभी तक ऐसा नहीं लगता है कि बीजेपी उन मसलों को छू रही है, बल्कि उसके बजाय ऐसे मसलों को ज्यादा छूने की कोशिश कर रही है जो ज्यादा अहम नहीं है और जो ज्यादा बीजेपी को सूट करते हैं लेकिन तमाम अन्य जनता को नहीं सूट करते। इस सवाल का जवाब आपसे जानूंगी, इससे पहले अरुण जी एक सवाल पहले आप ही से कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं जाऊंगी अमित जी के पास। अरुण जी, एक मसला ये है जो साफ तौर पर दिख रहा है कि कम से कम विपक्षी दल होने के लिहाज से बीजेपी लगातार एक्टिव तो दिख रही है। आप लोगों ने तो लोकसभा क्या हारी, आप जैसे अपने आप को इतने पस्त समझ चुके हैं कि न तो लड़ाई में दिख रहे हैं, न ही आप जिसको बोला जाए प्रदर्शन में दिख रहे हैं। एंटी एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिक्स करना तो बड़ा आसान होता है और इस लिहाज से यूपी एक अच्छा फील्ड है आपके लिए। राष्ट्रीय जी, ऐसा नहीं है। अभी हमारे अध्यक्ष निर्मल खत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था को लेकर के हमने यहाँ धरना और प्रदर्शन किया था, और ख़ास करके जिस तरीके से किसान पुत्र के राज्य में किसानों का शोषण हो रहा है, गन्ने के दाम को लेकर के भी हमने मेरठ से लेकर के और फैजाबाद कलता अन्य जगहों पे हमने आंदोलन किए थे। तो निश्चित रूप से ऐसा नहीं है कि हम आंदोलन से पीछे हैं, लेकिन किसी जैसे दंगे जैसे इशू को हम इस तरीके से राजनीतिक नहीं बनाने की कोशिश करते कि जिससे कि एक प्रदेश की सेंसिटिविटी खराब हो, प्रदेश में एक राजनीतिक माहौल या सामाजिक माहौल खराब हो, उस पर हम कोई आंदोलन नहीं करते नहीं, लेकिन लेकिन प्रदेश में जो विकास की बात है, कानून व्यवस्था की बात है, किसानों की शोषण की बात है, और खास करके अभी यूरिया के खाद को लेकर के जी। लेकिन अरुण जी, आपके जितने भी बड़े नेता हैं, कांग्रेस के साथ एक सौभाग्य भी है और एक तरह से कहा जाए तो चुनौती भी यही है कि उसके हाई कमान के जो नेता हैं वो भी यूपी से ही आते हैं, और जब से लोकसभा इलेक्शंस हुए हैं अगर उनके दौरों की बात करूं तो वो चार बार से ज्यादा, ये भी मैं ज्यादा बोल रही हूँ, लेकिन चार बार से ज्यादा अपने क्षेत्र तक में नहीं गए हैं। इस लिहाज से देखा जाए, आज भी हम लोगों ने देखा कि प्रियंका गांधी की रायबरेली में ही उनके खिलाफ नारे लगे। ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने आप को इन सब चीजों के बीच में पिछड़ा हुआ समझ रही है? राजश्री जी, जो आप कह रहे हैं कि प्रियंका जी के खिलाफ नारे लगे, ये एक सुनियोजित नारे हैं, पार्टी विशेष के लोगों का है, कोई जनमानस के तरफ से वहां कोई ऐसी बात नहीं कही गई है। और
सोनिया जी भी अभी कुछ दिन पहले रायबरेली गई थी, राहुल जी करीब 2 और 3 बार अपने क्षेत्र जा चुके, 3 बार सोनिया जी भी करीब 3 बार से ऊपर जा 3 बार के करीब जा चुकी हैं, अभी आज प्रियंका जी स्वयं वो दोनों क्षेत्रों के दौरे पर हैं। तो दूसरी बात, स्वयं राहुल गांधी बहुत जल्द उत्तर प्रदेश के पदयात्रा पे भी शुरू होने वाले हैं, जिसमें गरीबों, किसानों, मजलूमों, दलितों की आवाज उठाने की बात होगी। 19 तारीख को हमारी एक सर्वोच्च समिति, जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की कमेटी है, जिसमें भारत के पूर्व मंत्री और तमाम वरिष्ठ नेता हैं, उसमें उसकी एक बैठक हो रही है। अभी कुछ दिन पहले उसकी, करीब 2 सप्ताह पहले भी बैठक हुई थी। हम नीति बना रहे हैं, निश्चित रूप से उसकी रूपरेखा बना रहे हैं, और उस रूपरेखा बनाने के बाद किस तरीके से हमें आंदोलन का स्वरूप देना है, किस तरीके से कहता है हमें धर्मनिरपेक्ष शक्तियों को भी सहेजना है, इसका ये मतलब समझो कि आने वाले दिनों में जरूर आप लोग आंदोलन में निश्चित निकलेंगे। और जी, आने वाले दिनों में जरूर आप लोग 19 तारीख को हमारी बैठक होने जा रही है सर्वोच्च समिति। चलिए, बुकल नवाब साहब, यानी कि अभी भी हमने आपसे बताया कि गन्ने के आंदोलन को लेकर के और यूरिया के आंदोलन को लेकर के, जी, लेकिन यूरिया के खाद के आंदोलन को लेकर के हमने हर जिले मुख्यालय पे धरना प्रदर्शन किया था। नहीं है कि हर जगह सुनाई दे, अभी भी उस आवाज में इतनी दम नहीं दिख रही है कि उसकी धमक हर जगह सुनाई दे। बुकल नवाब साहब, आने वाले दिनों में लगता है कि आपकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, बीजेपी लगातार आपको घेर रही है, अब कांग्रेस एक अलग रणनीति बना रही है, ऐसे में आपके निपटने की क्या तैयारी है? देखिए, ऐसा है कि ये रूपरेखा जो बना रहे हैं अरुण जी, तो रूपरेखा तो इनकी 20 साल से बन रही है, और उत्तर प्रदेश के अंदर ना रूप बन रहा है, ना रेखा कोई बन रही है, ना इनके रेखा की नजर ही नहीं आ रही है। और जो राहुल जी की बात कर रहे हैं, राहुल जी जो है आप जानती हैं जिस तरीके से मतलब चल रहा है, राहुल जी जो है वो किस तरीके से आज देश की स्थिति हो गई है कि पूरे देश के अंदर 44 सीटें कुल आई हैं कांग्रेस की। एक जमाने में हम लोग सुना करते थे कि विक्स फॉर्मूला 44 होता था, 44 विक्स फॉर्मूला, तो फिर विक्स फॉर्मूला 44 के ऊपर आगे गए, खांसी आ रही है, विक्स फॉर्मूला 44 सीटें ही इनको मिल पाई हैं जी। लेकिन और आज जो है ये दूरबीन से भी नजर नहीं आ रहा है, अगर दूरबीन से देखा जाए जो इतिहास है वो बदल जाता है अक्सर, भी दिखा दे रहे हो रेख बुकल साहब, इतिहास बदल जाता है, ऐसा ना हो कि आप गाफिल रहें और तब तक आपके लिए सच्चाई बदल जाए। चलिए, उत्तर सिन्हा जी को जोड़ना चाहूंगी, बुकल साहब, उत्तर जी और मुलायम सिंह यादव दोनों को मालूम हो जाएगा, जोड़ना चाहूंगी उत्तर जी को, उत्तर जी एक पत्रकार के नजरिए से भी आप देखते हैं तो क्या ऐसा लगता नहीं, 3 चीजें जो लगातार आप लोकसभा के, बुकल साहब अब उत्कर्ष जी से एक सवाल ले लेती हूँ, अभी 1 घंटे है, 1 घंटे अभी बात करेंगे हम लोग इसी मुद्दे पे बात करेंगे। उत्कर्ष जी, 3 चीजें हैं लोकसभा चुनाव के बाद जो 2-3 चीजें बहुत साफ हुई हैं, एक तो जो एक तरह से मृत प्राय पड़ी थी बीजेपी यूपी में, वो अचानक से उसमें ऐसी संजीवनी आई और एक के बाद एक वो मुद्दों को लपकना और झटकना और साथ में कहा जाए कि मुद्दों को खड़े करना भी शुरू कर दिया उसने, क्या ये कहीं ज्यादा ही जल्दबाजी है उत्तर प्रदेश के पृष्ठभूमि के मद्देनजर, क्या समझा जाए कि वो अपने ड्रीम 2017 को जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहती है? देखिए राष्ट्रीय जी, बहुत क्लियर बात है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में एक आक्रामक प्रचार के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी आई थी, और आप देखिए तो वो चुनाव से 1 साल पहले से वो प्रक्रिया शुरू की गई थी, नरेंद्र मोदी की इमेज बिल्डिंग, नरेंद्र मोदी के लगातार हर जगह आयोजन, लगभग 1 साल लिया था भारतीय जनता पार्टी ने, और उसने धार दी थी अपने पूरे अभियान को, और उसका नतीजा ये हुआ कि एक अपने पक्ष में माहौल बनाने में कामयाब हो गई। वो स्ट्रेटजी भारतीय जनता पार्टी कंटिन्यू कर रही है। एक बात जो वक्त की बात है उसमें देखिए 2 बातें हैं, भारतीय जनता पार्टी अगर आंकड़ों के लिहाज से देखिए तो उत्तर प्रदेश में 4th नंबर की पार्टी है विधानसभा के भीतर अभी, लेकिन बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी 2 स्ट्रेटजी पे लगातार कायम है। एक तरफ वो नरेंद्र मोदी के चेहरे पे विकास और इसकी बातें कर रही है, और दूसरी तरफ हिंदुत्व के मसले को हर समय धार देने की कोशिश कर रही है। ये एक जो लंबा टाइम स्पैन ले रही है भारतीय जनता पार्टी, वो एक ट्रायल बेसिस पे चल रहा है कि क्या चलेगा, जिसको हम लोग कहते हैं स्नोबॉलिंग। एक तरफ जब योगी आदित्यनाथ बोलते हैं
उसके बाद फिर साक्षी महाराज बोलते हैं, फिर एक साध्वी बोलती हैं, एक तरफ वो लाइन चल रही है, दूसरी तरफ उनके केंद्र के मंत्री जब आते हैं तो वो विकास की बात करते हैं, जब बहसों में टीवी बहसों में बैठते हैं तो उनके प्रवक्ता हमेशा नरेंद्र मोदी के विकास मॉडल की बात करते हैं। दोनों तरफ से वो चाहते हैं कि एक एक माहौल बनाया जाए। जी बिल्कुल। दूसरी तरफ इसमें उनको कामयाबी इसलिए भी मिलती दिख रही है कि जैसा आपने कहा, मैं अपनी बात खत्म कर दूं, एक तरफ तो बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल टूटे मनोबल के साथ है। कल बहन मायावती ने अपना जन्मदिन मनाया, हम लोग वहां मौजूद थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनका मनोबल डगमगाया साफ साफ दिख रहा था इतने दिनों में पहली बार। और दूसरी तरफ कांग्रेस है, कांग्रेस अभी अपनी अंतर द्वंद से निकलने की कोशिश में है, इतने दिन के बाद एक जंबो कार्यकारिणी बनी लेकिन अब ठोस कार्यक्रम आने बाकी है। जी, और शायद यही वजह है कि इस तरह से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को जो ये खाली मैदान मिला है उसको वो बहुत तेजी से अपने आप को फैलाने में लगी हुई है। जी बिल्कुल उत्कर्ष जी, और अनिल जी से इस पर एक टिप्पणी जरूर चाहूंगी। अनिल जी, यदि देखा जाए जैसा कि उत्कर्ष नाथ जी बता रहे थे कि लगातार बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि जो दूसरे दलों की कमजोरियां हैं उनको अपनी मजबूती में बदल ले, और खासकर उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखें तो कोई भी दिन नहीं होता या कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जिसको बीजेपी छूती नहीं है। लेकिन क्या इसमें ऐसा नहीं लगता है कि ये टेस्ट एंड ट्रायल वाला जो मसला चल रहा है इसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो छूट जाएंगी या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जनता के मन में कंफ्यूजन पैदा कर देंगी? हाँ, बीजेपी को इस तरह की जल्दबाजी या इस तरह के गिमिक्स पर भरोसा तो कभी नहीं करना चाहिए। मेरा एक सुझाव ये भारतीय जनता पार्टी को है। लेकिन हो ये रहा है कि जैसे आप देखिए दिल्ली में आपके बहुत सारे लोग टूट कर और इधर आने को आतुर हुए, उनमें से कुछ को जैसे शाजिया इल्मी को भी लिया गया। ये सारी जो कवायद चल रही है और जिस तरह से उन्हें लग रहा है कि ये संभव है दूसरे राज्यों में भी, तो वो दूसरे राज्यों में भी इसको दो मोर्चे पर, एक तो अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने पर और दूसरे दूसरी पार्टियों का मनोबल तोड़ने के लिए इस तरह के गिमिक्स का वो इस्तेमाल कर रही है। जैसे कि अगर ऐसा लगे समाजवादी पार्टी को कि हमारे यहाँ भगदड़ मच सकती है या भगदड़ मचने जा रही है तो समाजवादी पार्टी का मनोबल टूट सकता है। हालांकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि जितने का दावा किया जा रहा है उतने आ सकते हैं इधर। लेकिन एक बात उत्तर प्रदेश में जरूर हुई है कि देखिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का मनोबल जैसी कि चर्चा हो रही थी सचमुच बहुत टूट गया है, और कांग्रेस का ऐसे भी मनोबल पूरे देश में अभी गिरा हुआ है। दूसरे स्तर पर समाजवादी पार्टी को जिस तरह से समाजवादी पार्टी का देखिए केंद्र की सरकार बचाने में बहुत बड़ा योगदान बहुत कई कई बार रहा है, तो एक तरह से देखा जाता है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को कभी थोड़े समय अलग भी देखा जाता है लेकिन एक तरह से दोनों एक दूसरे के कई बार पूरक भी दिखाई देते हैं। अब हो ये रहा है कि ऐसे में बहुत सारे लोग जो कि बहुत स्वाभाविक है, उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने में अभी फायदा है और भविष्य है अगर टिकट मिल जाता है, तो 2017 को लक्ष्य में रख के भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो मनोबल तोड़ने का एक प्रयास है। हालांकि इंतजार करना चाहिए, स्टेजेस में लोकतंत्र में भरोसा करना चाहिए और 2017 का इंतजार करना चाहिए। जी, यानी अनिल जी, आपकी बातों को अगर संक्षेप में करूं तो बीजेपी ने जो रणनीति बनाई है वो कई चरणों की रणनीति है। पहले चरण में अभी बीजेपी गुजर रही है, एक तो ये मुद्दे ढूंढो और कौन सा मुद्दा चलेगा, जैसा कि उत्कर्ष जी बता रहे कि कौन सा मुद्दा चलेगा, हर मुद्दे को अभी टेस्ट कर लो, और उसके बाद जो विपक्षी दल हैं उनके मनोबल पर सीधे प्रहार करो। अमित जी, बीजेपी वाकई, आप जब हम लोग लगातार देख रहे हैं जब से लोकसभा इलेक्शंस हुए हैं, आप लोग हर मुद्दे को पकड़ते हैं, हालांकि बहुत ज्यादा दिन तक कंटिन्यू नहीं करते, उसके बाद छोड़ देते हैं, दूसरे मुद्दे पर जंप कर जाते हैं, और इस चक्कर में आप देखिए लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, सहारनपुर भी याद है, वहां पर भी जाकर उन्होंने SSP को धमकी दे दी, अब बरेली के SSP को धमकी देते घूम रहे हैं। क्या ऐसा समझा जाए कि आप हर मुद्दे को इसलिए टेस्ट बस करके देख रहे हैं कि कौन सा मुद्दा चलेगा, वही मुद्दा आप लेकर आगे बढ़ेंगे आने वाले 2017 में? राष्ट्रीय जी, अभी आपके चैनल पे जब मैं देर से आया जी तो नीचे टिकर पे देख रहा था
कि डीजल और पेट्रोल के दाम फिर कम हुए। ठीक है, वो तो अंतर्राष्ट्रीय मैटर है भैया, उसमें आपने कहा कम कर दिया। मैं आपके ब्रीफ पे आर्ग्यू करने नहीं आया जी। मैं अपनी बात कहने आया हूँ, बराए करम मुझे शांति से सुन ले। आपको जहाँ लगता हो कि गलत है तो काट दीजिए। अरे देश के विकास हो, महंगाई हो, भारतीय जनता पार्टी आम आदमी से जुड़े हर उस मुद्दे को छूना चाहती है जो आम आदमी की जेब को, उसके जहन को कहीं ना कहीं परेशान कर रहा हूँ। और उत्तर प्रदेश के अंदर जहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में, यहाँ की राज व्यवस्था के बारे में समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री मुलायम सिंह जी खुद कहते हो कि तुम कार्यकर्ताओं ने मेरी चुनाव में नैया डुबो डाली जी, उसके बारे में। अरे नैया तो वाराणसी के अंदर आप एक भी सीट नहीं जीते, लखनऊ के अंदर आप एक सीट नहीं जीते, छावनी परिषद की हम अभी चुनाव हुआ, अभी अब हारे, अभी आ रहे हैं, हम कल हारे, आप चुनाव हारे, छावनी इलाहाबाद से आ रहे हैं, आप वाराणसी से आ रहे, जहाँ मोदी जी वहाँ से आ रहे, मथुरा से आ रहे, हैदराबाद से आ रहे, हम सब जगह से हार रहे हैं, अभी टेम्पोल में हार रही है। मुक्कल साहब, मुक्कल साहब मैं अपना सवाल रख दूं अमित जी, जिस आम आदमी के दर्द की आप बात कर रहे हैं, क्या धर्म परिवर्तन का मसला अमित जी, क्या धर्म परिवर्तन का मसला आम आदमी का मसला है, क्या लव जिहाद का मसला आम आदमी का मसला है अमित जी, अमित जी, अमित जी, अमित जी, अमित जी, अमित जी, मुक्कल साहब आप अमित अमित जी साफ तौर पर यह समाजवादी पार्टी से लड़ाई की बात नहीं है। अमित जी साफ तौर पर आपसे मैं पूछ रही हूँ, जब आपकी ही बातों से अगर आपने ये कहा, अमित जी मुक्कल साहब, मुक्कल साहब, मुक्कल साहब, मैं किसी दूसरे के ब्रीफ अमित जी नहीं कर सकता। अमित जी आपसे आपसे साफ सवाल मेरा ये है कि जिस आम आदमी के दर्द की बात आप कह रहे हैं, क्या धर्म परिवर्तन का मसला आम आदमी का मसला है, क्या लव जिहाद का मसला आम आदमी का मसला है, क्या ये बार बार ये कहना कि समाजवादी पार्टी, उमा भारती ने सबसे पहले कहा कि जिस दिन चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हम गिरा देंगे, संगीत सोम ने कहा कि हमारे 25 समाजवादी पार्टी के विधायक हमारे संपर्क में हैं, जिस दिन चाहे सरकार गिरा दें, लक्ष्मीकांत जी ने कहा कि जिस दिन चाहे सरकार गिरा दें, क्या ये सारी धमकियां आम आदमी का मसला है? जो सरकार आम आदमी की इज्जत आबरू की रक्षा ना कर सके, जो आज सरकार मंत्रियों की भैंसों की रक्षा करती हो, उस सरकार को जिम्मेदार। ये क्या बोल कह रहे हैं, अभी मालूम है क्या बोल रहे हैं, भैंसों को बोल रहे हैं, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, राजश्री जी, राजश्री जी, राजश्री जी, राजश्री जी, इनके बोलने का आप सुनिए, ये हाँ सुनिए, एक मिनट इनका जवाब ले लिए, ये भैंसों का मुकाबला इंसान से कर रहे हैं, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, जवाब लिए, ये अरे भैंसों, एक मिनट, आप भैंसों का मुकाबला, एक मिनट, एक मिनट, राजश्री जी, राजश्री जी, अरे भैंसे, भैंसे जो, भैंसे जो है, अरे भैंसे की इतनी ताकत नहीं है, मुक्कल साहब, यही अमित जी और मुक्कल साहब, मैं बिल्कुल दिमाग नहीं है, अमित जी और मुक्कल साहब, मैं ये एक्सपेक्ट करूंगी मैं आप लोगों से, अमित जी नेपाल भागे और नेपाल से लंदन चली जाए, मुक्कल साहब दिमाग इतना नहीं है। चलिए अरुण प्रकाश जी को लेकर, अरुण प्रकाश जी दिमाग नहीं है, इस तूतू मैं क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके लिए बहुत बड़ी जगह बन सकती है, कुछ शराबत से आगे बढ़ा जाए और कुछ ऐसे मुद्दों को उठाया जाए जो वाकई आम आदमी के लिए हो, और लेकिन इसके बाद भी आप लोग इस मौके का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, भैंस का मुकाबला इंसान से कर रहे हैं, आपने किया, आपकी पुलिस ने किया, उससे अरुण प्रकाश जी, उत्तर प्रदेश के नागरिक को आप रखे हैं, अरुण प्रकाश जी, वो तो जनता बता रही है आपको, वो जनता बता रही है, अरुण प्रकाश जी अमर अमर चौथे नंबर पर पहुंच रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का अरुण प्रकाश जी से जीरो पे, ये जीरो को बने, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि जब हमें किसी सब जगह से जीरो पे, जीरो पे मुद्दों पर भी जब हम बहस करते हैं तो इसी सूत्र में का सामना करते हैं, और कम से कम इस मंच पे तो ये दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जाएगा,
ये सवाल बहुत अहम है अमित जी, न तो ये बात भैंस की है और न ही आदमी की, बात थी धर्मांतरण की, बात थी लव जिहाद की, कहां के आम आदमी के मसले हैं ये? मैं बोलूं इसमें राजश्री जी? जी मैं बोलूं इसमें राजश्री जी? जी जहां पर एक डिजाइन के तहत आप एक वर्ग विशेष की लड़कियों को टारगेट करेंगे और अपने धर्म और मजहब की आइडेंटिटी को छुपा करके शादी करेंगे, ये निश्चित रूप से देश का जांच में यह स्पष्ट हुआ? किस जांच में स्पष्ट हुआ? आप नहीं देता राजश्री जी, देता हो तो मुझे बताइए किस सेक्शन में आप लोगों ने क्या देश का संविधान इसकी आजादी लव जिहाद पर किया? अगर मैं के नौ चीजें चली गई इनके हाथ से, लव जिहाद का मुद्दा खत्म, लव जिहाद का मुद्दा खत्म, नौ के नौ सीटें हमने इनसे छीन लिए, शर्म आने से जिनको नौ के नौ सीटें जबे हमने इनकी भाजपा की छीन ली है, लव जिहाद का मुद्दा खत्म हुई है। और आम जनता से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर अपने नेताओं के इस रूप को देखकर वो क्या कहती है। नीतीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नीतीश आपके साथ आम लोग भी जुड़े हुए हैं, उनसे जरूर आप ये पूछें हमारी तरफ से कि क्या उन्हें ऐसा लगता है कि बीजेपी मुद्दों के चक्कर में हर मुद्दे वो उठा लेती है जिससे उसका लाभ होता है। जी बिल्कुल, हमारे साथ कुछ जनता है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी हर मुद्दे को उठा लेती है और जो माहौल है उसको खराब करने की कोशिश करती है? जी देखिए, बीजेपी अगर के अगर आपके नेता स्टूडियो में बैठे हैं तो मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं वो? पहला कि अभी जैसे मुरादाबाद में दंगे हुए, सब जगह दंगे होते हैं, सब जगह दंगे क्यों और को भड़काती है, आग में घी डालने का काम क्यों करती है वो? हर जगह ऐसे करती है और कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है, खुद लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ती है। अब लव जिहाद का मामला होता है, राजनाथ सिंह से पूछा जाता है कि आपकी लव जिहाद क्या है, वो कहते हैं कि मुझे लव जिहाद के बारे में नहीं पता, बल्कि वो खुद यूपी के सांसद रह चुके हैं, उसके बाद भी उन्हें नहीं पता। फिर आएंगे आपके पास अमित जी, ये सीधा सवाल है जनता का आपसे कि जहां पर माहौल नहीं भी बिगड़ रहा होता है वहां आप लोगों के जाते ही माहौल बिगड़ जाता है। राष्ट्रीय जी, मैं इससे कतई इत्तेफाक नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी ने अगर उत्तर प्रदेश के किसी हिस्से का माहौल बिगाड़ा है, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, तथ्य सामने लाइए, जाप्ता फौजदारी में मुकदमा कायम कराइए और उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। राजनीतिक आरोप लगाना और कुछ सेलेक्टेड ओपिनियंस को सामने रख देने से ओपिनियन नहीं बनती, मैं डिसएग्री करता हूं। चलिए, ये जनता का कहना है अमित जी, और कहीं ये सोच अभी जी, उत्कर्ष जी आप इस पे कुछ प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? अरे बरेली में दंगे तो कहा जाते हैं, बरेली में कहा दंगा हुआ? नवाब साहब बोलिए। एक बात इसमें एक पॉइंट निकला हुआ है राशि जी, अमित भाई ने कहा कि लव जिहाद एक मसला है और जहां पर ये बात होती है वो भी पार्टी के सीनियर लीडर है, प्रवक्ता है। मैंने लव जिहाद शब्द इस्तेमाल नहीं किया, उसी आइडेंटिटी ठीक है, हाँ वो चलिए शब्दों के चक्कर में ना पड़े हम लोग। एक अंतर दो धर्मों के बीच के विवाह की बात, पार्टी के बड़े नेता गृह मंत्री हमारे इस तरह की किसी चीज से इनकार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें नहीं पता है, ऑफिशियली उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता है। अब अगर पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश का गृह मंत्री अगर ये कह रहा है कि इस तरह की किसी चीज के बारे में हम सहमत नहीं है, तो वही पार्टी उस लाइन को फिर आगे कैसे बढ़ा रही है, ये सवाल तो कहीं ना कहीं खड़ा होता है। जी। क्योंकि अगर गृह मंत्री की बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर की बात करनी पड़ेगी, वो एक ऑथेंटिक स्टेटमेंट होता है। बिल्कुल। दूसरी तरफ पार्टी अगर ये कह रही है, अमित भाई अभी कह रहे थे कि इस तरह की बात समाज से जुड़ी है, तो फिर आखिर देश का गृह मंत्री क्यों नहीं मान रहा है? ये विरोधाभास है कहीं, इसका जवाब तो चाहिए। जी बिल्कुल, और अमित जी इसी का जवाब हम सभी ढूंढ रहे हैं कि जिस तरह से आप इन तमाम मुद्दों को तथाकथित रूप से आम आदमी को मुद्दों को उठाते हैं और तब तक चलाते हैं जब तक इसका सीधा लाभ आपको दिखता है, उसके बाद आप उसको छोड़कर कहीं और जंप कर जाते हैं, इस चक्कर में कहीं आपको नुकसान ज्यादा तो नहीं हो रहा? ये आपका ऑब्जर्वेशन है कि हम मुद्दे उठाते हैं और छोड़ देते हैं। जी हम ना तो मुद्दे उठा करके छोड़ते हैं, हम आम आदमी के हर उस पर मुद्दे को उसकी अमित जी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, किसानों की समस्या अभी भी खत्म नहीं हुई। आजकल हमने नहीं देखा कि बीजेपी के नेता किसानों की समस्या पर कुछ बोल रहे हों।
अभी भी हमारे सूबे में बिजली की समस्या खत्म नहीं हुई। नोएडा अथॉरिटी आपको याद आ गया, लेकिन बिजली की समस्या आप छोड़ गए, किसानों की समस्या आपने उठाई फिर छोड़ दिया। सतत चलने वाले जो आपके मुद्दे हैं, अब आप कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के मुद्दे नहीं उठा रही। लगातार टिकर चल रहा है आपका चैनल पे, राशि जी लगातार टिकर चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, अरे कहाँ उठाती है मुद्दे, 7 महीने हो चुके हैं। अरे आके आके उत्तर प्रदेश के एमपी जीत के गए, झूठे वादे किए, लोकसभा के अंदर एक मुद्दा उठाया आज तक के उत्तर प्रदेश के लिए। चलिए आप मुद्दे उठाइए बैठे, यहाँ मुद्दे उठा रहे बैठे। अरुण प्रकाश जी, ये दोनों ही नेताओं को देखकर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अरुण प्रकाश जी आपके बीच में इसके बहस के बीच में लेकर आऊं, जिस तरह से बीजेपी लगातार कह रही है कि हाँ हम मुद्दे उठा रहे हैं, समाजवादी पार्टी का इससे विरोध है, क्या ऐसा नहीं लगता है कि इसके बीच में आपके लिए कुछ जगह बन सकती है यदि वाकई आप लोग कोशिश करें तो? देखिए निश्चित रूप से हमारे लिए जगह बनेगी, ये जरूर है। कहते हैं कि अब चुनाव तो हो चुका है और चुनाव के बाद आप 8 महीने के चुनाव के बाद जिस तरीके से झारखंड में, जिस तरीके से महाराष्ट्र में, जिस तरीके से अभी जम्मू कश्मीर में परिणाम आए हैं, लोकसभा में इनके मतों का प्रतिशत देख लीजिए और फिर विधानसभा सीटों में कहता है इनके मतों का प्रतिशत देख लीजिए और किस तरीके से ये सीटें पाए उनको देख लीजिए। तो अच्छा है। अब आप जरा चुप रहे, मैं आप में नहीं बोल रहा था अमित जी, हाँ नहीं आप बताइए ना थोड़ा। तो 7-8 महीने में ये एक्सपोज हुए हैं, पहचाने गए हैं। अभी आपने एक बढ़िया मुद्दा उठाया कि किसानों का मुद्दा, मैं समाजवादी पार्टी शासित बात राज्यों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जहां भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है वहां यूरिया के खाद को लेकर के मध्य प्रदेश से लेकर के राजस्थान से लेकर के झारखंड तक में अभी लाठी चार्ज हुआ है किसानों के ऊपर, जबरदस्त किसानों पे लाठी चल रहे हैं, यूरिया का उत्पादन कम हो रहा है, यूरिया की फैक्ट्री अभी जून जब मोदी जी ने चार्ज लिया है, खाद की 2 फैक्ट्रियां बंद हुई हैं जून में जाकर के उनके कहता 1 महीने बाद। तो इस तरीके से सरकार कहीं भी, और अभी हमारे साथी अमित जी कह रहे थे महंगाई ठीक है, सौभाग्य है इनका कि बगदादी जी के वजह से कहता है भाई इनका भी बगदादी ने भाग्य खोल दिया है कि क्रूड ऑयल का दाम कम हो रहा है, तो उसका फर्क आना चाहिए था कल राशनी जी। सब्जी के दाम नहीं कम हो रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन का दाम नहीं कम हो रहा है, रेल का जो किराया बढ़ाया था आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, उनके रेल मंत्री ने, उसमें 2 पैसा भी नहीं कम कर रहे हैं जी। तो इस तरीके से महंगाई का कहीं भी असर आम जनता पे कोई असर पड़ रहा हो, 2 पैसे उत्पादन कर जी। जो 2% उत्पादन कर अभी आपको याद होगा इन्होंने बढ़ा दिया, उससे क्या हुआ, फ्रिज जो आम जनता की आज की डेट में चीज है, टेलीविजन जो अब आम जनता की चीज है, मैं मोटर और कार लग्जूरियस गाड़ियों की बात नहीं करता, जो स्कूटर और मोटरसाइकिल सारी की सारी चीजें जो आज आम जनता से जुड़ी चीजें हुई है, महंगी हो गई है 8 महीनों में, क्रूड ऑयल के दाम कम होने के बाद, डीजल पेट्रोल के दाम कम होने के बाद, इन चीजों का दाम लगातार और भारतीय जनता पार्टी को ये बात सूट करती है, आलोचना से इसका सीधा लाभ आपको कुछ नहीं मिल पा रहा है, न जाने क्यों इस आलोचना का सीधा लाभ आप लोगों को फिर भी नहीं मिल पा रहा है। चलिए अनिल जी को लेकर आती हूँ इस बहस में। अनिल जी, जिस तरह से बीजेपी, हमने देखा कि चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, उत्तर प्रदेश में कम से कम एक ऐसी लड़ाई छिड़ी है जो, जिसको हम सभी बोल सकते हैं, अगर इस भाषा का मैं यूज करूं तो, एक अंधी सी लड़ाई है जिसमें लक्ष्य क्या है ये भी स्पष्ट नहीं हो रहा है, लड़ किससे रहे हैं ये भी स्पष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन इसका आपको लगता नहीं कि 8 महीने के बाद जो बीजेपी की स्थिति बनी है, जिस तरह के वायदे उसने करने शुरू किए थे और उन वायदों को निभाने का वक्त जब आ रहा है और तब वो ऐसे मुद्दों को उठा, इसका नुकसान कहीं ना कहीं बीजेपी को ज्यादा होगा? देखिए शुरुआती दौर में सभी ये कह रहे थे कि थोड़ा मौका भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए और बार बार ये बात कही जा रही थी कि कम से कम 6 महीने का वक्त तो देना चाहिए जिससे कि ये समझ में आ सके कि जो जिन चीजों को शुरू किया गया है या जो योजनाएं शुरू की गई हैं वो परवान चढ़े, कम से कम पटरी पर चढ़े। लेकिन
ऐसा लग रहा है अभी जो 8 महीने बीते हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिन जिन योजनाओं को छुआ, जिनको आगे बढ़ाने की कोशिश की, उसमें से ठीक है कुछ योजनाएं जरूर ऐसी हैं जो कालांतर में आगे बढ़ेंगी, कुछ योजनाएं हैं जैसे स्वच्छ भारत या कुछ और भी योजनाएं, जनधन भी है उनमें से, लेकिन बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनका असर अब दिखना शुरू होना चाहिए था, वो नहीं दिखाई दे रहा है। ये एक सही बात है। दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी इतने विवादों में घिर रही है पिछले कुछ समय में, जिसमें ये अपेक्षा लोगों की बन रही है कि इसमें जो वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं, इस पर अपनी चुप्पी तोड़े। जैसे जितने मसले हैं अभी जिनका आपने जिक्र किया, लव जिहाद और इस तरह के कई मुद्दे, तो उन पर या जो बयानबाजी हो रही है, जो हिंदुत्व को पीछे से नेपथ्य से आगे बढ़ाने की कोशिश चल रही है साक्षी महाराज और बाकी लोगों के, तो ये जो सारी चीजें चल रही है इस पर नरेंद्र मोदी ने, नरेंद्र मोदी ट्वीट करते हैं अक्सर, ट्वीट करते हैं, लेकिन इस पर उन्होंने अपनी चुप्पी किसी भी तरह से बोल के या ट्वीट करके या किसी और तरीके से, इनके जो वरिष्ठ नेता है वो भी चुप है इन सारे मुद्दों पर। इसलिए ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं चीजों को भटकाने की कोशिश हो रही है जी। और इससे भारतीय जनता पार्टी का अंततः नुकसान होगा। ये जो आपकी बात है इससे मैं पूरी तरह सहमत हूं, अंततः इससे नुकसान होगा। और पार्टी जो एक लक्ष्य लेके चल रही है और जो सपने देख रही है, अभी देखिए तात्कालिक रूप से अभी जो चुनाव हुए या अभी जो चुनाव हो रहे हैं उसमें एक आभा मंडल या प्रभा मंडल जो भी हम कहें वो नरेंद्र मोदी का बना हुआ है, लेकिन 2017 तक ये प्रभा मंडल बना रह पाएगा ये कहना बहुत मुश्किल है। अनिल जी, एक और इसी प्रभा मंडल से प्रभावित होने वाले दर्शक बेहद महत्वपूर्ण है हमारे लिए। आदिल जुड़ रहे हैं हमारे साथ कानपुर से। आदिल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोकतंत्र के साथ जुड़ रहे हैं। हमारा आज का सवाल है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी हर मुद्दे को पकड़ रही है केवल अपने लाभ के लिए? नमस्कार मैडम जी। नमस्कार। हाँ मैडम, ये बोल रहा हूँ, मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, भारतीय जनता पार्टी का वो हाल हो गया है इस समय कि अगर किसी की बकरी ने कम दूध भी दे दिया है तब भी वो उसको लेकर डिब्बे में रोड पे बैठ जाएंगे। इन्होंने इतनी बड़ी घटना घटित यूपी में हो गई है और इनके सेटिंग एमपी हैं माननीय श्री साक्षी महाराज जी, जो धर्म के ठेकेदार कहलाए जाते हैं, बच्चे पैदा करने की मैडम सलाह देती है, बात मुझे नहीं कहनी चाहिए, और उनको पहुंचने में 35 घंटा लग गया घटनास्थल पर। कितना शर्म की बात है, उनके प्रदेश अध्यक्ष माननीय रजनीकांत वाजपेयी जी 70 किलोमीटर से चलकर और 2 घंटे में पहुंचते हैं। हमें लग रहा है इस समय सिर्फ लाश ढूंढने निकले हुए हैं और 2-4 लोगों को इकट्ठा कर लिया है जी। चलिए, बहुत शुक्रिया आदिल साहब। अमित जी, आपने देखी किस किस तरह के उदाहरण भी मिल रहे हैं, और वाकई क्या ऐसा ना हो कि भेड़िया आया वाली हालत हो जाए? आप लोग हर छोटे बड़े मसले को भी इतना बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं आपकी विश्वसनीयता का संकट ना आ जाए 2017 आने तक। मुझे लगता है चुनाव इसका सही जवाब देगा, यही इसका जवाब है जी। 2017 के चुनाव तक का इंतजार तो आप लोग कर रहे हैं। चुनाव तो अभी हो रहा है, दे रहे हैं अमित जी, लेकिन 2017 के चुनाव का इंतजार करते आप दिख नहीं रहे। आपके आपके जो तमाम बड़े नेता हैं, लोकतंत्र में चुनाव का मतलब नहीं होता है। अमित जी लेकिन 2017 का इंतजार करते आप दिख नहीं रहे। आपके बड़े नेता तमाम कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के विधायक आप लोग के संपर्क में हैं। पहले से ही उमा भारती जी ने ऐलान कर दिया था कि जिस दिन चाहे उस दिन समाजवादी पार्टी की सरकार गिरा दें। संगीत सोम ने हालिया बयान दे दिया। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने कहा फिर पलट गए। कलराज मिश्रा जी ने कहा फिर पलट गए। वाकई क्या कुछ और खिचड़ी पकने की कोशिश कर रही है? एक चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश हो रही है, एक चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश हो रही है। संसद में आप कहीं नहीं पेश कर पाए। आपके नेता लाल की सांडवानी से लेकर के
नोट जिस तरीके से नोट दिखाया, जिस तरीके से नोट आपने दिखाया, संसद की अवमानना की, संसद की अवमानना की, झारखंड में आज आप सरकार जो चला रहे हैं 6 करोड़ रुपए उस मंत्री के लेकर के जिसके पीए के घर बरामद हुआ था 6 करोड़ रुपए झारखंड में आज के डेट में उसको मंत्रिमंडल में लेकर के आप सरकार चला रहे हैं। अरुण जी, भारतीय जनता पार्टी का चाल चेहरा चरित्र सारा पहचाना जा रहा है। चलिए, खाली धाधा गर्दी करने से, धाधा गर्दी करने से देश की जनता पहचान नहीं है। आपको पहचानी है किस तरीके से आपने महाराष्ट्र में किया। पहले नेशनल करप्ट पार्टी बताई, हम नेशनल करप्ट पार्टी से गलबहिया किया, किस तरीके से महबूबा मुफ्ती के पैरों पर गिरे मोदी, और हम इसका किस तरीके से महबूबा मुफ्ती और उनके पिता के उमर अब्दुल्ला के पैरों पर गिर करके आपसे चाहेंगे कि तमाम जो आपके नेता। अमित जी आप सवाल सुन ले, अमित जी आप सवाल सुन ले, और मैं फिर से आप सबों से गुजारिश करूंगी एक एक करके अपनी बात रखें, क्योंकि ये मंच लोकतंत्र का है, यहाँ बात लोकतंत्र की हो रही है, यहाँ पर न तो कोई दोस्त है न कोई दुश्मन है, जो है वो लोकतंत्र के लिए है। सीधा सवाल आपसे अमित जी कि क्या वाकई जो आपके तमाम नेता दावे कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के विधायक उनके संपर्क में हैं, जिस दिन चाहे उस दिन सरकार गिरा दें, क्या वाकई समाजवादी पार्टी के विधायक एक आपके संपर्क में है? बीजेपी के एक जिम्मेदार नेता के तौर पर आप ये दावा कर सकते हैं? राजश्री जी एक मिनट हमारी बात सुनिए। राजश्री जी ये कह रहे हैं कि हम राजश्री जी एक मिनट ये कह रहे हैं कि 25 विधायक हमारे संपर्क में है और यहाँ पर और 230 विधायक हमारे पास है, हमारे जो संपर्क में है वो आप ले लिए तब भी हमारी सरकार बची रहेगी। झूठ क्यों बोलते हैं? झूठ बोलिए, समझ में ऐसा झूठ क्यों बोलते जो समझ में ही ना है? नवाब साहब आपकी बात पूरी हो गई है। 230 विधायक है नवाब साहब, आपकी बात पूरी हो गई है। अमित जी से जवाब लेते हैं, अमित जी से फर्क पड़ जाएगा। नवाब साहब आपकी बात पूरी हो गई है। अमित जी वाकई क्या समाजवादी पार्टी के विधायक आपके संपर्क में है, ऐसे लोग आपके संपर्क में हैं, या फिर केवल ये हवा है? विधायक राशि जी, मुझे लगता है इसका उत्तर तो आपको मिल गया। बुक्कल भाई बीच में बोल पड़े हो, कहने लगे 25 आपके संपर्क में ले जाइए। अगर संपर्क में आप ले लिए तब भी टूटेंगे, हम एक भी संपर्क में नहीं है। आपके भाजपा के विधायक, भाजपा के विधायक हमारे संपर्क में, आपके बीजेपी के विधायक हमारे संपर्क में। बुक्कल साहब ये सवाल अमित जी से था। अमित जी क्यों करते बुक्कल साहब में को दम दो? बुक्कल साहब दम दो, वो बात क्यों करते हो? अमित जी वो बात करो जिसमें दम हो। अरे ऐसी फालतू बातें क्यों करते हो भाई? अमित जी अब अगर अगर ये विधायक यदि इसका जवाब यही है कि हाँ वाकई ये विधायक आपके संपर्क में है, अब एक लाके दिखा दिए 25 बुक्कल साहब, एक विधायक लाके दे दिए, हम अपनी नेतागिरी छोड़ देंगे। अमित जी अपना पूरा नेतागिरी, इसका दूसरा इस सवाल का दूसरा हिस्सा फिर ये अमित जी विधायक आप लाके दिखा दिए। अमित जी इस सवाल का दूसरा हिस्सा ये है, तो क्या मैं आपके नेताओं की उस बात को भी सच मानूं कि आप लोग उत्तर प्रदेश की सरकार गिराएंगे? भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को बदहाली और खराब कानून व्यवस्था से तत्काल मुक्ति दिलाना चाहती है। एक लाइन की टिप्पणी, अभी मुक्ति दिलाई तो है, 8 महीने हो गए, सरकार गिरानी पड़े, एक काम नहीं किया, राजनीति करनी पड़ी। चलिए उत्कर्ष सिन्हा जी, अब आपसे मुक्ति होगी। उत्कर्ष सिन्हा जी इस पूरे मसले पे आपको लेके आओ, ये दावे महज दावे हैं, बातें हैं, बातों का क्या ये माना जाए? ये वाकई अनिल जी के शब्दों में कहूं तो बस ये एक डर फैलाने के लिए इस तरह के पासे फेंक रही है बीजेपी लगातार। देखिए राशि जी, एक बात ये बहुत साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को भी ये लगता है कि जो माहौल 2014 में बना हुआ है, 2017 आते आते उसमें से कई चीजों के ऊपर जनता जवाब मांगेगी। अभी 7 महीने हुए इनकी सरकार को और बहुत सारे मुद्दे खड़े हो रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये माहौल बनाए रखना चाहती है। वो दबाव देखिए, बीजेपी की हमेशा एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी रही है, अगर आप देखें जब भी वो आक्रामक होती है
वो हमेशा ये कोशिश करती है और अक्सर कामयाब भी होती है कि आने वाला चुनाव उसके एजेंडे पर लड़ा जाए। एजेंडा सेट करने में ये इनकी रणनीति हमेशा अच्छी रही है और ये हमेशा कामयाब होते रहे हैं। इस बार भी एक तरफ जनता के भीतर धार्मिक इश्यूज को लेकर के आंदोलन रहना, दूसरी तरफ रूलिंग पार्टी के मनोबल को तोड़ने के लिए लगातार हैमरिंग करना, ये अच्छी स्ट्रेटजी है एक विपक्षी दल के लिए। अब ये भी सही बात है कि भारतीय जनता पार्टी ये चाहेगी कि उत्तर प्रदेश में नियत समय से पहले चुनाव हो, ये चाहेगी। होते हैं नहीं होते हैं ये एक दूसरा मामला है। ये समाजवादी पार्टी कितनी मजबूती से अपने आप को बचा के रखती है ये एक सवाल है, लेकिन वो चाहेंगे कि जितना जल्दी चुनाव हो, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी जो डेवलप होनी शुरू हो गई है केंद्र सरकार के प्रति, उसका नुकसान कम से कम उत्तर प्रदेश के चुनाव में हो, इसलिए आक्रामकता बढ़ी शायद। और लेकिन वाकई क्या बीजेपी ऐसा कर पाएगी, इसका सीधा जवाब जनता ही दे सकती है। नीतीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता आम आदमी के साथ। नीतीश, एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगी और आम जो आपके साथ जनता जुड़ी है उससे जरूर आप ये सवाल पूछें कि क्या उन्हें लगता है कि बीजेपी अपने इस 6 महीने के प्रदर्शन में वो कुछ कर पाई जिसका वायदा उसने कम से कम उत्तर प्रदेश की जनता से किया था। जी बिल्कुल, हमारे साथ कुछ जनता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी ने जो 6 महीने बीते हैं उसमें कुछ ऐसा काम किया जो जिसका जवाब वादा जनता से उन्होंने किया था बीजेपी ने? जी मैं बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी से एक सवाल पूछना चाहूँगा कि ये लॉ एंड ऑर्डर हर समय क्यों खराब करते रहते हैं, चाहे विकास के मुद्दे की बात हो या भ्रष्टाचार के मुद्दे की बात हो या फिर गन्ना किसानों की बात हो, ये हर समय अपनी बातों से मुकर जाते हैं। मैं ये पूछना चाहूँगा जी नीतीश। अमित जी, बार बार ये सवाल आपकी तरफ ही आ रहा है, न जाने क्यों ये सवाल बुक्कल साहब से होना चाहिए था कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन की व्यवस्था बार बार खराब क्यों हो जाती है, लेकिन इसके जिम्मेदार आप लोगों को ठहरा रही है जनता। मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। अरे आपको खुल्ला खुल्ला आपके सामने कह रही जनता, आपके खिलाफ बोल रही है जनता, आपके खिलाफ हो चुकी है। दीजिए बुक्कल साहब। धन्यवाद आपको, अगर आपको ऐसा लगता है। जी अमित जी, आप जवाब दे दीजिए। जी अमित जी, जनता का ये सवाल है, ये आरोप जनता का है, ये हमारा नहीं है, इसका जवाब आप क्या देंगे? नहीं करेंगे तो मैं जवाब दूंगा। जी आप बोले, क्या कह रही है राजश्री जी? जनता आपके साथ नहीं है, जनता आपके साथ नहीं है कह रही है। हेलो, अरे वो कह रही जनता आपके साथ नहीं है। बिल्कुल नहीं अमित जी, मैं आपका शब्द दोहरा दूं, ये जनता ने कहा है, जनता का ये पूछना है कि बीजेपी की वजह से बार बार प्रशासनिक व्यवस्था खराब होती है, जब भी वो कहीं जाते हैं ऐसी स्थिति बन जाती है कि लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाता है। क्या वाकई ऐसा होता है या ये महज इत्तेफाक है? ना तो ये इत्तेफाक है ना ऐसा होता है। भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदार विपक्ष की तरीके से सरकार की खामियों को गिनाती है और आम आदमी की लड़ाई को लड़ने का काम करती है। अच्छा, और हमारे उत्तर प्रदेश की लाइन ऑर्डर की स्थिति में कहीं कोई परिवर्तन नहीं आया, ये खुद ही अपनी लाइन ऑर्डर की स्थिति को संभाल नहीं पा रहे। अमित जी, जनता कह रही है, हम लोग नहीं कह रहे, जनता कह रही है कि आप जो है दिन बा दिन जो है पीछे जा रहे हैं, जनता कह रही है, हम नहीं कह रहे, सारी बहस हम लोग देख रहे हैं, जनता कह रही है, जिससे आप वोट मांगते हैं, कोशिश भी करिए। लेकिन एक बात जो समझ में नहीं आती है कि क्या इस तरह से जो मुद्दे बीजेपी ने लगातार उठाए इन दिनों, क्या वाकई आपको लगता है कि 2017 तक स्पेस को बरकरार रख पाएगी और उसे उन तमाम सवालों के जवाब नहीं देने होंगे जो अच्छे दिन का वायदा करके मोदी जी ने किया है? नहीं, देखिए लोकतंत्र में मेरा मानना है कि हर पार्टी को, हर सियासी दल को यह अधिकार है कि वो लोकतांत्रिक ढंग से विरोध प्रकट करे, लोकतांत्रिक ढंग से वो उन मुद्दों को उठाए जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। लेकिन इसमें समस्या, एक मैं बड़ी समस्या ये देख रहा हूँ कि जनता के जो वास्तविक मुद्दे हैं, जिनकी चर्चा आप भी कर रही थी, किसान वगैरह, तो जो वास्तविक मुद्दे हैं वो तो नेपथ्य में चले जाते हैं, पीछे रह जाते हैं, और जो सुपरफिशियल मुद्दे हैं ऊपर ऊपर के, उन मुद्दों को लेके और सियासी पार्टियां लड़ाई करती हैं, उन मुद्दों को वो आगे बढ़ाना चाहती हैं।
देखिए, कुल मिला के मेरा ये मानना है कि इस देश की जनता बेवकूफ नहीं है। इस देश का जो वोटर है वो समय आने पर उचित फैसला लेता है, और चाहे इस तरह की कितनी भी कवायद हो, एक दूसरे को डिफेस करने की कितनी भी कोशिशें इस तरह से की जाएं, वास्तविक जो मुद्दे हैं उनसे जनता अंततः जुड़ेगी। अगर नरेंद्र मोदी को इतनी सीटें उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में मिली तो उसके पीछे कारण ये था कि लोगों ने एक सपना देखा। अगर ये सपना टूटता है या जनता को ऐसा लगता है कि बहुत दम नहीं है और ये वास्तव में कुछ करना नहीं चाहते, या उसी तरह की एक सियासी पार्टी है जैसी दूसरी है, या तो ऐसे में जनता जवाब मांगेगी, जनता फैसला करेगी। और देखिए, मेरा मानना है कि अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं, जितने भी 1952 से लेके अब तक, उसमें जनता को जो भी अच्छा विकल्प दिखाई दिया है उस तरफ जनता गई है, जो भी सामने विकल्प रहे हैं, और इस बार भी वही होगा। और दूसरी एक बात और मेरा मानना है कि विकास का मुद्दा केंद्र में रहेगा, छद्म विकास और वास्तविक विकास इसमें लड़ाई होगी, लेकिन विकास केंद्र में रहेगा। अगर वो मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी कर पाती है तो उनकी तरफ जनता जाएगी, जो भी ये करेगा उसकी तरफ जनता जाएगी। और कम से कम ये इस लिहाज से बीजेपी के इस योगदान को मानना चाहिए कि जिस तरह की अभी तक दलगत राजनीति हमने देखी है उसको बदल के वो विकास के एजेंडे पर उसने सेट कर दिया है, और ये मुद्दा आने वाले दिनों में भी रह सकता है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ वाराणसी से एक मेहमान जुड़ रहे हैं, संजय, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी, आप लोकतंत्र में जुड़ रहे हैं। हमारा आज का सवाल है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी हर मुद्दे उठा ले रही है ताकि आने वाले 2017 की तैयारी पुख्ता हो सके? हेलो जी मैडम, हमारा जो बीजेपी के नेता बैठे हैं उनसे एक सवाल है जी, कि जैसे ये धर्मांतरण का मुद्दा और लव जिहाद का मुद्दा अभी यूपी में कुछ दिन पहले उठा था, तो ये क्या भारतीय जनता पार्टी सिर्फ यूपी की लॉ एंड ऑर्डर खराब करने के लिए ये मुद्दा उठा रही है कि इसको, ये मुद्दा अगर असलियत है तो ये अन्य प्रदेशों में भी तो दिखना चाहिए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी क्या कहना है? जी बिल्कुल संजय जी, इस सवाल को लेकर चलते हैं अमित जी के पास। अमित जी, आप, हमने तमाम दर्शकों को जोड़ने की कोशिश की लेकिन सभी के निशाने पे आप ही आप देख रहे होंगे कि मैं सवाल कुछ पूछ रही हूँ, जनता के मन में सवाल कुछ और है। और जनता का सीधा सवाल ये है कि जो लव जिहाद या धर्मांतरण के मुद्दे आप उठा रहे हैं, ऐसी ही जगहों पर वो मुद्दे क्यों आ रहे हैं जहां या तो चुनाव होने वाले थे या चुनाव होने वाले हैं? उन तमाम जगहों पर क्यों नहीं ये मसले उठ रहे हैं जहां चुनाव हो चुके हैं या फिर आने वाले तुरंत के सालों में चुनाव नहीं है, या जहां इनका राज्य है? जहां जहां ये घटनाएं होंगी मुद्दे वहीं उठेंगे। और आपको मैं जानकारी के लिए राजश्री जी बता दूं, हाईकोर्ट तो लगभग हर स्टेट के अंदर है। अरे? यूपी की हाईकोर्ट ने इस इशू की कॉग्निजेंस लेकर एक एक नहीं दो दो बार बाकायदा कैटेगोरिकल जजमेंट में ऑब्जर्वेशन ही नहीं किए, पैराग्राफ्स जॉट डाउन किए। अब कोई पूछे कि हिमाचल की हाई कोर्ट ने क्यों नहीं किए, आंध्रा की हाई कोर्ट ने क्यों नहीं किए, अमित जी इलाहाबाद बेंच की, लखनऊ लव जिहाद के मसले पर, मुद्दे देखो मुद्दे पे आइए आप। अमित जी, लव जिहाद के मसले पर केवल केरल के हाई कोर्ट के एक जज ने एक इंस्टेंस के बारे में लिखा था, और वो भी तब जब मलयाली एक लड़की, मलयाली लड़कियों का ज्यादा से ज्यादा शादियां दुबई में होने लगी। केरल का तो लव जिहाद ले लिया, उसके बाद उत्तर प्रदेश में लव जिहाद का मसला कभी नहीं रहा अमित जी, नहीं बिहार में लव जिहाद का मसला रहा, नहीं झारखंड में लव जिहाद का मसला रहा, और दुर्भाग्य से न धर्मांतरण का मसला रहा। ये सच को अपने तरीके से देखने का अंदाज है आप लोगों का शायद। हाँ, इसे झमुरों का खेल मत बनाइए, टीवी की डिबेट पे सीरियस बैठा कीजिए और कंटेंट के ऊपर डिस्कस किया कीजिए। अपने अंतिम दौर में पहुंच चुके हैं, चलिए पहला सवाल अमित जी आप ही से कर लेती हूँ। अमित जी, हाईकोर्ट का जजमेंट इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश की घटनाओं का संज्ञान लेकर हुआ, जहाँ जहाँ ये सिचुएशन आएंगी कोर्ट ने भी कॉग्निजेंस ली, और उसमें उस जजमेंट में अमित जी कहीं भी लव ये नहीं कहा गया है कि लव जिहाद की घटना हो रही है। मेरा निवेदन सुन लीजिए,
कहीं भी ये नहीं कहा गया कि लव जिहाद की घटनाएं हो रही हैं। चलिए मैं चैलेंज करता हूँ, मैं अभी अंतिम दौर में पहुंच चुकी हूं और आपसे सीधे तौर पे ये पूछना चाहूंगी कि क्या आप जो तमाम मुद्दे जो उठाते हैं उन मुद्दों में आम आदमी के मुद्दे भी उठाएंगे? क्या आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि बीजेपी किसानों के मुद्दे पर, बिजली के मुद्दे पर, आम आदमी के दुखों के मुद्दे पर भी प्रदर्शन इसी प्रकार से करेगी जैसे लव जिहाद या धर्मांतरण पर कर रही है? अमित जी आपसे सवाल है ये। राष्ट्रीय जी 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 मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं विकास के मुद्दे पर पूरे देश के अंदर काम करना चाहती है और आम आदमी से जुड़े हर उस संवेदनशील प्रश्न को जो आम आदमी की दिक्कतें बढ़ाता है भारतीय जनता पार्टी पुरजोर संघर्ष करेगी और उसके लिए जो भी आरोप लगे हम उसको स्वीकार करने के लिए तैयार है, लेकिन हम अपनी लड़ाई आम आदमी के साथ उसके मुद्दों के साथ जारी रखेंगे। चलिए बहुत शुक्रिया लोकतंत्र में हिस्सा लेने के लिए आपका। और अरुण प्रकाश जी आपसे जानना चाहूंगी कि क्या आने वाले दिनों में कांग्रेस भी एक्टिव भूमिका निभा पाएगी जो अभी तक बिल्कुल सुस्त पड़ी है, और क्या आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि कांग्रेस के बड़े नेता उन बड़े मुद्दों को उठाएंगे जो कि आम आदमी से जुड़े हुए हैं? निश्चित रूप से राजश्री जी आप कल तक देखेंगी, कांग्रेस ने अभी पिछले समय में भी चुनाव हुआ था लेकिन उसके कुछ दो महीने बाद ही हमने उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के समस्या उठाई, उत्तर प्रदेश में के यूरिया के खादों के खाद वितरण का मसला उठाया, और जो इसमें कानून व्यवस्था है निश्चित रूप से हमारे नेता हम रणनीति तय करके बहुत तेजी से एक्सपोज करेंगे भारतीय जनता पार्टी की। शुक्रिया अरुण प्रकाश जी। जी बुकल नवाब साहब आपसे सवाल होगा कि जिस तरह से बीजेपी लगातार सेंधमारी करने की कोशिश कर रही है, वाकई आप अपना घर बचा पाएंगे? देखिए घर तो हमारा बचा हुआ है और ये हमारे घर में कुछ कर नहीं सकते हैं, इनके ऊपर एक शेर है, शेर सुन लिए, इनका ये शेर है, खामोश मिजाजी इन्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो आपस में लड़ा दो, हिंदू मुस्लिम करा दो, कोहराम मचा दो, ये इनका लक्ष्य है और इसी लक्ष्य को भाई जीते 6 साल इन्हें इसी को बस। शुक्रिया शुक्र है कि आप ईश्वर करें कि आप अपना घर बचा पाए। उत्कर्ष सिन्हा जी कुल मिलाकर यदि देखें हम तमाम अपने इन नेताओं की बहस की बात यदि देखें तो लगता है कि 2017 तक बीजेपी जिस पेस के साथ इसने शुरू किया है, 2014 के चुनाव के बाद जो उत्साह के साथ उसने शुरू किया है वो आने वाले दिनों में भी वो उत्साह वो बरकरार रख पाएगी? जी राशि मुझे लगता है कि बिल्कुल ये आक्रामकता पार्टी बना के रखेगी, और इसमें देखिए खास बात ये होगी कि बिजली और इस तरह के मसलों के ऊपर इसलिए सवाल बहुत नहीं खड़े करने से बचेगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि देखिए किसानी का सवाल है तो एमएसपी का सवाल खड़ा हो जाएगा, केंद्र में सरकार जिन मसलों के ऊपर घिरती है उससे बचेगी, और शायद इसीलिए धर्म से जुड़े मामलों को ज्यादा जगह दी जाएगी भारतीय जनता पार्टी के तमाम अभियानों में आने वाले दिनों में। बहुत शुक्रिया उत्कर्ष सिन्हा जी, आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया लोकतंत्र में मेरे साथ हिस्सा लेने के लिए। अनिल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आज जो बात हमने इस बहस में रखी कि क्या बीजेपी उत्तर प्रदेश में मुद्दों की तलाश में हर छोटे बड़े मुद्दे इसलिए ढूंढ रही है ताकि वो सियासी गर्मी को बरकरार रख सके, और कुल मिला के इस बहस को देखें तो जनता अभी भी जो सवाल उठा रही है वो यही है कि उसके मुद्दे इस सियासी गर्मी में आखिर कहाँ हैं, और लोकतंत्र इसी पर चलता है कि जनता के मुद्दे सामने रखे जाएं, और हम उम्मीद करेंगे कि सियासी पार्टियां जनता को आगे रखेंगी तभी हमारा लोक भी बचेगा और तंत्र भी। तो लोकतंत्र में आज बस इतना ही, लेकिन इसके बाद लोकतंत्र के दूसरे हिस्से यानी पार्ट टू में चलेंगे जिसमें हम देश की बात करते हैं और लोकतंत्र से जुड़े हुए चारों स्तंभों की बात करते हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। किरण बेदी के बाद बीजेपी में शामिल हुई आपके संस्थापक शाजिया इल्मी, लेकिन नहीं लड़ेंगी चुनाव, कहा अब जनता की सेवा करने का सही मौका मिला है।
दूर होगी दिल्ली से अराजकता। किरण बेदी को बीजेपी बना सकती है दिल्ली में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार। 19 जनवरी को केंद्रीय चुनाव समिति और संसदीय दल की बैठक में हो सकता है फैसला। मिल सकती है बीजेपी चुनाव प्रचार समिति की कमान। यूपी के कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति की आय से अधिक संपत्ति मामले में मुश्किलें बढ़ी। यूपी के लोकायुक्त का फैसला। बेटों के नाम पर चल रही कंपनियों की आयकर विभाग से जांच की करेंगे सिफारिश। झारखंड में सत्ता बदलने के साथ नक्सल समस्या पर बदले तेवर। राज्य के मुख्य सचिव का दावा, अगर नक्सली हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में नहीं लौटे तो 3 महीने में हो जाएगा नक्सलियों का सफाया। सब्सिडी की राशि पर भी टैक्स लगाने का पेट्रोलियम मंत्रालय का सुझाव। बैंक में आई सब्सिडी की राशि को आय मानने का दिया गया सुझाव। कहा, केवल जरूरतमंदों को ही मिले सब्सिडी। और गुरमीत राम रहीम की फिल्म एमएसजी को सेंसर के प्रमाण पत्र के मुद्दे पर बोर्ड की प्रमुख लीला सैमसन ने दिया इस्तीफा। दूसरे मेंबर ने भी किया इस्तीफे की पेशकश। तो अब कार्यक्रम के दूसरे हिस्से यानी कि देश की बात में आपका स्वागत है एक बार फिर से। और इस कार्यक्रम में हम 4 हिस्सों में इसको बांटेंगे और इसमें एक एक करके लोकतंत्र के चारों स्तंभों का पूरा हाल आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे राजपथ, जिसमें हम देखेंगे दिल्ली में चुनाव से पहले आपके संस्थापक सदस्य रहीं शाजिया इल्मी बीजेपी में शामिल हो गईं, लेकिन क्यों हो गईं ये आपको बताएंगे हम। साथ ही हम चर्चा करेंगे कि बीजेपी में कल ही शामिल हुई किरण बेदी का कद क्यों एक ही दिन में बीजेपी के अंदर इतना बढ़ गया है, जितने में शायद किसी दूसरे नेता को जिसे पाने में वर्षों लग जाए। इसके अलावा हम आप बात करेंगे यूपी के लोकपाल के किस फैसले से बढ़ सकती है यूपी के मंत्री गायत्री प्रजापति की मुश्किलें। आपको ये भी बताएंगे कि मुलायम सिंह के जन्मदिन के समारोह के खर्चे के लिए आजम खान कहां से कर रहे हैं वसूली। आपको दिखाएंगे कि नक्सलवाद के बारे में झारखंड के मुख्य सचिव ने क्या ऐलान कर दिया जिससे खलबली मची है। इसके अलावा हम आपको दिखाएंगे कि सोनिया गांधी पर कौन सी विवादित किताब जिसे यूपीए सरकार में रोक दी गई थी अब भारत में उपलब्ध होगी। मालवीय को मिले भारत रत्न पर कैसा विवाद हो गया है ये भी आपके सामने रखेंगे। और उसके बाद राजकाज की ओर बढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे कि संसद बोर्ड के अध्यक्ष लीला सैमसन ने क्यों इस्तीफा दिया और दूसरे मेंबर ने क्यों कहा है कि वो इस्तीफा दे देंगी। हम ये भी दिखाएंगे कि सब्सिडी वाली राशि पर टैक्स काटने की सलाह किसने दी सरकार को। हम राजकाज में देखेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के वीसी पर क्यों विवादों के घेरे में है एचआरडी मिनिस्ट्री भी और खुद वीसी दिनेश सिंह। न्यायमंच में बात करेंगे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सीवीसी के बारे में, केंद्र ने क्या गुहार लगाई है सुप्रीम कोर्ट से। इसके अलावा आपको बताएंगे कि उच्च अदालतों में हिंदी के इस्तेमाल पर क्या है राय केंद्र सरकार की। इसके बाद चौथे स्तंभ की ओर हम बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि क्यों मीडिया से बहुत दुखी हैं शशि थरूर और क्यों उन्हें लगता है कि मीडिया ही उनके सारे दुखों का कारण है। तो देश की बात में इन तमाम खबरों के अलावा और भी ढेर सारी खबरें होंगी जो आपके लिए जानना जरूरी है, जो हमारे देश के लिए जरूरी है, जो हमारे प्रदेश के लिए जरूरी है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के एक हर दिन कोई एक निष्पक्ष संपादक होता है, तो आज के हमारे संपादक हैं बीआर गुप्ता जी, जिन्होंने भ्रष्टाचार के आंदोलनों से निकले लोगों की राजनीति में शामिल होने पर अपनी राय जाहिर की है। और आज का हमारा सवाल है कि क्या देवियों के भरोसे दिल्ली में है बीजेपी। क्या देवियों के भरोसे है दिल्ली में बीजेपी, यानी किरण बेदी, शाजिया इल्मी, जयाप्रदा, इनका भी आने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अभी तक किरण बेदी और शाजिया इल्मी शामिल हो चुकी हैं। और जो चुनाव प्रचार की जो लिस्ट जारी की गई है उसमें स्मृति ईरानी, मीनाक्षी लेखी जैसे नाम बड़े हैं। तो क्या इन्हीं देवियों के भरोसे बीजेपी अब आ गई है, इस सवाल का आप जवाब दे सकते हैं। हमारी फोन लाइन खुल चुकी है, आप चाहें तो फोन कर सकते हैं या फिर आप हमारे ट्विटर या फेसबुक पेज पर भी लिख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं राजपथ से। और राजपथ में शुरुआत करते हैं एक खुशखबरी से। पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर से कम होंगे। पेट्रोल 2 रुपये 42 पैसे और डीजल 2
रुपए प्रति लीटर सस्ता हो जाएगा। इस कमी के साथ ही पेट्रोल की कीमतें 4 साल के सबसे निचले स्तर पर आ गई हैं। नई दरें आधी रात से लागू हो जाएंगी। तेल की गिरती कीमतों के कारण यह कमी आई है। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत $45 प्रति बैरल से कम हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें 6 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई हैं। इससे पहले शुक्रवार को ही सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिया था। नवंबर के बाद से चौथी बार उत्पाद शुल्क बढ़ाया गया है। दिल्ली के दंगल की यदि बात करें तो आज का दिन भी बेहद हलचल भरा रहा। बीजेपी के 2 दिनों में 2 देवियां मिल गई हैं। तो 2 दिन में बीजेपी ने आप पार्टी को दूसरी बार बड़ा झटका दिया है। दिल्ली चुनाव में भले ही केजरीवाल बिजली की कीमतें कम करने की बात कहते रहे हों, लेकिन हाल फिलहाल में मिल रहे झटकों से उन्हें उबरने में वक्त लगेगा ऐसा लगता है। पहले अन्ना आंदोलन में सहयोगी रही किरण बेदी ने साथ छोड़ दिया, तो अब शाजिया इल्मी ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब केजरीवाल को अपनों से ही कड़ी टक्कर मिलने जा रही है, ऐसा अब स्पष्ट हो गया है। बीजेपी पार्टी दफ्तर में राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में कभी केजरीवाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहने वाली शाजिया इल्मी ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। बीजेपी से जुड़ने के बाद शाजिया ने कहा कि अब उन्हें जनता की सेवा करने का सही मौका मिलेगा। और इतना ही नहीं, एक के बाद एक शाजिया के दावों का पिटारा खुल गया। मुझे लगता है बहुत जरूरी मौका है, एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर है। ये वाकई में मैं अवसर के तौर पर देखती हूँ। ये अवसर है अपने शहर की, अपने प्रदेश की, अपने देश की सेवा करने का, आम जनता की सेवा करने का। जी हाँ, तो अन्ना आंदोलन से आपकी राजनीति और फिर बीजेपी का भगवा रंग। शाजिया इल्मी ने काफी कम वक्त में सियासत का लंबा तजुर्बा हासिल कर लिया ऐसा लगता है। बीजेपी में शामिल हुई शाजिया को शायद पता चल गया है कि अगर राजनीति में लंबी पारी खेलनी है तो धीमी और सधी हुई शुरुआत करना जरूरी है। और इसीलिए उन्होंने साफ किया कि वे विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहती। केजरीवाल पर भी हमला करने से शाजिया नहीं चुकी। इसके अलावा शाजिया इल्मी भी देश में अराजकता से मुक्ति का नारा बुलंद करने लगी। गौरतलब है कि यही शाजिया कभी नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगातार नारे लगाती थी। इन्विटेशन मिला, मैंने बिना किसी चीज को मांगे हुए, सतीश भाई आपके सामने बैठे हैं इधर, आप अमित जी से पूछ लीजिएगा, एक ना मुझे इलेक्शन लड़ने का कोई मन है, ना ही मैंने इसकी बात भी की है। आप लोग चला रहे हैं बहुत सी खबरें, लेकिन वाकई में मेरा कोई मन नहीं है कंटेस्ट करने का, किसी को हराने का, कुछ जताने का, कोई पॉइंट बनाने का। मैं वाकई में सेवा करना चाहती हूँ और मुझे लगता है मैं सक्षम हूँ। मैंने आम आदमी का मेरा पुराना साथ रहा है, आम आदमी पार्टी के साथ, और मुझे लगा, आपको पता है किसी कारणवश या कई ढेर सारे इसकी वजह रही है, मैंने छोड़ा उनका साथ और उन्होंने भी छोड़ा मेरा साथ, लेकिन बिना किसी गिला शिकवा के, बिल्कुल दिल से, पूरे एक देशभक्ति की भावना के साथ साथ, पूरे जज्बे के साथ मैं सलाम करती हूँ एक नए संवाद और नए संकल्प को जो भारतीय जनता पार्टी इस वक्त देश को दे रही है। मुझे लगता है अराजकता की वो राजनीति, नकारात्मक वो राजनीति से हमें हटना चाहिए, एक पॉजिटिव ऊर्जा की तरफ, सकारात्मक राजनीति की तरफ, जिसमें बदलाव की बात हो। तो बदले की भावना से नहीं, बदलाव की भावना से राजनीति को आगे बढ़ना पड़ेगा, एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। जी हाँ, और इसके बाद न केवल झटके इतने ही लगे कि शाजिया आ गई बीजेपी में, बल्कि यदि आप पार्टी की हम बात करें तो काफी दुखी रही है आप पार्टी। आज बीजेपी पार्टी दफ्तर में दोहरी खुशी का मौका रहा। एक ओर जहां शाजिया इल्मी ने पार्टी की सदस्यता ली, वहीं बॉलीवुड के प्रसिद्ध संगीत निर्देशक आनंद राज आनंद भी पार्टी में शामिल हो गया। आनंद राज आनंद ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, दिल्ली प्रभारी प्रभात झा और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। आनंद राज आनंद भी कभी आप पार्टी के गुण गाते दिखते थे। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या बीजेपी को दिल्ली में उसके मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार मिल गया है। अगर सूत्रों की माने तो यकीनन किरण बेदी दिल्ली में बीजेपी की सीएम पद की उम्मीदवार हो सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक 19 जनवरी को केंद्रीय चुनाव समिति और संसदीय दल की बैठक में इस बात का फैसला हो सकता है। हालांकि अगर किरण बेदी को पार्टी सीएम पद का उम्मीदवार नहीं भी घोषित करती है तो भी देश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी को बीजेपी चुनाव प्रचार समिति की कमान
सौंप देगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो मतलब ये है कि इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में किरण बेदी पार्टी का मुख्य चेहरा हो गई हैं। विजय गोयल जैसे दिग्गज पार्टी नेता पहले ही इस बात को मान चुके हैं कि वो किरण बेदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने को तैयार हैं। वैसे भी विजय गोयल कहीं भी आजकल नजर नहीं आते। खबर यह भी है कि पार्टी किरण बेदी को मालवीय नगर या फिर ग्रेटर कैलाश सीट से मैदान में उतार सकती है। पार्टी किरण बेदी के लिए सेफ सीट का इंतजाम कर रही है ताकि वो अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त दिल्ली चुनाव प्रचार में लगा सकें। इस बीच में किरण बेदी ने यह भी कह दिया कि यदि पार्टी ने चाहा तो केजरीवाल के खिलाफ भी मैदान में उतरने को तैयार हैं। किरण बेदी के बीजेपी में शामिल होने से बीजेपी में उत्साह तो जरूर है, लेकिन दिल्ली विधानसभा की लड़ाई को देखते हुए पार्टी इसे अपने लिए एक ऐसा तुरूप का इक्का बनाना चाहती है जो सीधे जीत तक उसे पहुंचा सके। उधर किरण बेदी ने बीजेपी में शामिल होने से पहले अन्ना हजारे को जानकारी नहीं दी थी। अन्ना हजारे ने ये बात कही है। अन्ना हजारे के मुताबिक किरण बेदी ने फैसला लेने से पहले उनसे बात नहीं की। उन्होंने कहा कि लोकपाल आंदोलन के बाद से वह बेदी से संपर्क में नहीं है। भ्रष्टाचार और जन लोकपाल के मुद्दे पर आंदोलन में अन्ना हजारे के साथ किरण बेदी ने भी सक्रिय भूमिका निभाई थी। अन्ना शायद तारीखों को भूल जाते हैं। हमें याद है कि अन्ना हजारे के लोकपाल आंदोलन के बाद जब आप पार्टी का गठन हो गया था, एक बार फिर से अन्ना हजारे ने रालेगंज सिद्धि में ही आंदोलन शुरू किया था, जिसमें किरण बेदी और संतोष भरतिया गए थे और वहां पर जाकर उन्होंने अन्ना से मुलाकात की थी। उसके बाद भी किरण बेदी मिलती रहीं, लेकिन अन्ना धीरे धीरे इस हाशिए पर चले गए हैं जहां वो किसी को याद नहीं आते, और ऐसे में किरण बेदी ने उन्हें भुला दिया तो कोई बहुत बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। उधर बीजेपी नेता किरण बेदी ने कहा है, अब वो बीजेपी की ही नेता हैं, उन्होंने कहा है कि दिल्ली में एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार की जरूरत है। किरण बेदी ने कहा कि अगर दिल्ली का दिल बीमार है तो देश कैसे ठीक रह सकता है। दिल है देश का, हम प्रार्थना करते ईश्वर से हमें ताकत दे, हमें मार्गदर्शन दे, हमें आशीर्वाद दे, हम वाकई में दिल्ली को देश का दिल बनाए, सुरक्षित दिल बनाए, स्वच्छ दिल बनाए, सुरक्षित स्वच्छ और स्वस्थ दिल बनाए। यही उत्साह, ऐसे ही शब्द कभी सुनाई देते थे रामलीला मैदान में भी, और ऐसे ही उत्साह भरे शब्द सुनाई देते थे किरण बेदी के मुंह से जंतर मंतर पर भी। लेकिन साल बदल गया, पार्टी बदल गई, तो हाल भी बदल ही जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रियंका गांधी की। रायबरेली में अपने दो दिवसीय दौरे के आखिरी दिन प्रियंका गांधी ने भूएमऊ गेस्ट हाउस में विधानसभा वार कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने स्थानीय लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं भी सुनी। अपनी मां के संसदीय क्षेत्र रायबरेली और राहुल के संसदीय क्षेत्र अमेठी में प्रियंका गांधी की सक्रियता को देखते हुए उन्हें लंबे वक्त से सक्रिय राजनीति में लाने की मांग उठती रही है। प्रियंका की रायबरेली दौरे में भी इसकी झलक देखने को मिली। संगठन प्रभारी माननीय प्रियंका गांधी वाड्रा से आए थे मिलने, उनसे मुलाकात करने आए थे अपने साथियों के साथ, जो हमारे पदयात्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जन्मतिथि पे चले थे पदयात्री, उनको साथ लेकर के आए थे मिलने। क्या बातें हुई आपसे? हमारे लोग बातें हुई कि संगठन कैसे मजबूत करना, कैसे मजबूत किया जाए, और जो मोदी सरकार की जो विरोधी नीतियाँ हैं इनके विरोध में हम लोगों को धरना प्रदर्शन करना है। तो प्रियंका गांधी को सक्रिय राजनीति में आना चाहिए। जी। उधर अपने रायबरेली के दूसरे और आखिरी दिन प्रियंका गांधी ने भूमयू गेस्ट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साथ स्थानीय लोगों से जब वो मुलाकात कर रही थी, उनकी समस्याओं के बारे में सुन रही थी, उसी वक्त कुछ नाराज लोगों ने प्रियंका गांधी पर झूठे आश्वासन देने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी शुरू कर दी और अपना विरोध जताया। इस नारेबाजी में नाराज एक कार्यकर्ता ने लोगों को धमकी भी दी। दरअसल इन लोगों का आरोप था कि सोनिया गांधी के आश्वासन पर इन्हें टेलीकॉम कंपनी में नौकरी मिली थी, लेकिन पिछले एक साल से इन्हें तनख्वाह नहीं मिली है, जिसकी शिकायत कई बार सोनिया गांधी से की गई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। तो पहले हम जो है आश्वासन दिया गया था कि आप लोगों को नौकरी दिया जाएगा, नौकरी हम लोगों को वीडियो कॉल में दिया गया टेलीकॉम में, जो कि 3 महीने तक का चला। 3 महीने के बाद कंप्यूटर वगैरह उठा ले गए, 11 महीने का एग्रीमेंट हुआ था, 7 फरवरी को कंपनी बंद होने जा रही है। मौके पर ना कंप्यूटर है, ना तो कोई चपरासी है, ना कोई पानी की पीने व्यवस्था है। हम लोग को 10:30 से लेकर 5 बजे तक बंधक बना के रखा जाता है। ये नौकरी क्या प्रियंका, राहुल या सोनिया कहने पर आपको दी गई थी? नहीं, हम लोग उनसे मिले थे तो उनके माध्यम से मिली थी।
उधर उत्तर प्रदेश के एक मंत्री की जो स्थिति है वो खराब हो सकती है। आईएएस अधिक संपत्ति मामले में कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। गायत्री प्रसाद प्रजापति के बेटों के नाम पर चल रही 13 कंपनियों के आयकर विभाग से जांच कराने की सिफारिश की जाएगी। लोक आयुक्त एन के मेहलोत्रा ने यह फैसला गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ आई शिकायत के शुरुआती जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर किया है। जांच में पाया गया कि गायत्री प्रसाद के दो बेटों अनिल और अनुराग के नाम से 13 कंपनियां चल रही हैं, जिनकी शुरुआत 2012 में 82 लाख की पूंजी के साथ हुई थी। इनमें से 7 कंपनियां 1 साल से कम समय में शुरू हुई हैं। इन कंपनियों ने कभी आयकर रिटर्न नहीं भरा है। बाकी की 6 कंपनियों की मौजूदा आय 22.67 करोड़ रुपए पाई गई है। लोकायुक्त ने इन 6 कंपनियों का ब्यौरा तैयार कर लिया है। इनके आय और निवेश की जानकारी की जांच करने के लिए आयकर विभाग से जल्द ही सिफारिश करने का फैसला किया गया है। गायत्री प्रसाद प्रजापति पर खनन के अवैध पट्टे देने और सिंडिकेट को अवैध वसूली के ठेके दिए जाने का भी आरोप है। उधर यूपी में सपा सरकार भले ही अपनी छवि सुधारने की लाख प्रयास कर रही हो, लेकिन उसके अपने ही लोग लगातार पार्टी और प्रदेश सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं। गायत्री प्रसाद प्रजापति के अलावा और भी कई ऐसे नेता हैं जो यूपी सरकार की छवि को धूमिल करते जा रहे हैं। फैजाबाद का ये ताजा मामला, जहां मिल्कीपुर विधानसभा से विधायक और यूपी सरकार में समाज कल्याण मंत्री अवधेश प्रसाद के एक विवादित फोटो ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल मंत्री जी एक फोटो में अपने सरकारी अर्दली से जूता पहनते हुए दिख रहे हैं। वहीं मंत्री जी से जब इस बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि पीठ में दर्द की वजह से उन्हें झुकने में दिक्कत आई। साथ ही मंत्री अवधेश प्रसाद अर्दली द्वारा जूता पहनने की खबर का खंडन करते हुए उन्होंने कहा कि अर्दली पैर में लगे कंकड़ की जांच कर रहा था, न कि जूता पहना रहा था। कल भी स्थिति ये थी कि मैं झुक कर देख नहीं सकता था अपना पैर, तो मेरा अर्दली जो है मेरे साथ है, तो उसने कहा साहब देख ले कांटा तो नहीं है, कांटा तो नहीं है, तो अर्दली कांटा जरूर देखने लगा, कांटा या तो कांटा नहीं था, एक एक सिटका था। और एक के बाद एक ऐसे मंत्री हैं जो समाजवादी पार्टी की नाक में दम किए हुए हैं। यूपी के दबंग नेता आजम खान भी कुछ इसी अंदाज के हैं। आजम खान अब रामपुर में 22 नवंबर को समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन के शाही समारोह पर हुए खर्चे को वसूलने में लगे हुए हैं। खबर है कि आजम खान ने श्रम विभाग को एक भारी बिल भेजा है। आजम खान ने भुगतान के लिए श्रम विभाग के समक्ष ये तर्क दिया है कि जन्मदिन समारोह में श्रम विभाग के साइकिलों का वितरण भी किया गया था, इसलिए समारोह के लिए बने मंच के बिल का भुगतान श्रम विभाग ही करे। आजम खान ने 36 का आंकड़ा रखने वाले श्रम मंत्री शाहिद मंजूर की बात भी नहीं मानी है, और शाहिद मंजूर की बात से आजम खान जहाँ सहमत नहीं है, वहीं उनकी मांग से शाहिद मंजूर सहमत नहीं दिख रहे। श्रम मंत्री इस बात पर अड़े हैं कि जब वाहवाही आजम खान ने लूटी है तो बिल का भुगतान वो क्यों करें, लेकिन कैमरा देखते ही सबके सुर बदल जा रहे हैं। बात झारखंड की। झारखंड के मुख्य सचिव नक्सल समस्या को 3 महीने में खत्म करने का दावा कर रहे हैं। जब से वहां नई सरकार बनी है, बीजेपी के दावे और वायदे करने का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है, और इसी सिलसिले को बढ़ाया है मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती ने भी। इस दावे में कितनी हकीकत है इसका पता शायद उन्हें भी होगा, लेकिन सालों से चली आ रही नक्सल समस्या से निपटने में नाकाम केंद्र और राज्य सरकार सिर्फ वादे और दावे क्यों कर रही है, ये सवाल अहम है। झारखंड के कुल 24 में से 8 जिले बुरी तरह से नक्सल प्रभावित हैं, जबकि दो तो ऐसे हैं जहां कई बार दर्जनों बार नक्सलियों ने हमले किए हैं। राज्य में आर्थिक नाकाबंदी की है, सरकार उनके सामने लाचार नजर आई। साल 2009 में केंद्र सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान की शुरुआत की, जिसका कोई असर नहीं हुआ। इतना ही नहीं, सरकार ने गांव वालों को मोबाइल फोन देने की योजना भी बनाई ताकि नक्सलियों की जानकारी समय रहते मिल सके, लेकिन ये योजना भी बेकार साबित हुई। इन आंकड़ों के बाद आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि झारखंड के मुख्य सचिव के बयान में आखिर कितनी सच्चाई है। उधर दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया के
गैस पाइपलाइन में रिसाव के बाद आग लग गई, जिसके बाद आसपास के पूरे इलाके को खाली करा लिया गया। जिस इलाके में आग लगी वो रिहायशी इलाका था। और अब बात करते हैं सोनिया गांधी के। स्पेनिश लेखक जेवियर मोरो की सोनिया गांधी पर लिखी किताब द रेड साड़ी एक बार फिर से पाठकों के लिए उपलब्ध होगी। साल 2010 में आई इस किताब का कांग्रेस पार्टी और कार्यकर्ताओं ने काफी विरोध किया था। तब यूपीए की सरकार थी जिससे इसे बाजार से हटा लिया गया था और भारत में रिलीज करने से रोक दिया गया था। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी की नाटकीय आत्मकथा के तौर पर चर्चित इस किताब में के बाजार में आते ही कांग्रेस पार्टी से जुड़े लोगों ने काफी कड़ी प्रतिक्रिया दी थी, जिसके बाद किताब को बाजार से हटा लिया गया था। किताब के प्रकाशक के मुताबिक उस वक्त भारत में किताब प्रकाशित करने का सही समय नहीं था, लेकिन 2014 आम चुनाव में सरकार बदलने के बाद प्रकाशन गृह ने सोनिया गांधी के वकीलों से पूछा कि क्या अब किताब को प्रकाशित किया जा सकता है। उनकी तरफ से सकारात्मक जवाब मिलने के बाद अब किताब दोबारा प्रकाशित होगी। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोगबे अपनी पत्नी और बेटी के साथ काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। भूटान पीएम ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद शेरिंग तोगबे सारनाथ पहुंचे। भूटान पीएम ने दशाश्वमेध घाट गंगा आरती में भी हिस्सा लिया। भूटान पीएम के साथ 17 सदस्यीय दल भी काशी दौरे पर हैं और भूटान पीएम शेरिंग तोगबे 17 जनवरी को बिहार के बोधगया के लिए रवाना होने वाले हैं। भूटानी प्रधानमंत्री शेरिंग तोगबे बाबतपुर एयरपोर्ट पर उतरने के बाद सड़क मार्ग से नदेसर स्थित होटल गेटवे पहुंचे। लगभग यहां से उसके बाद वो सीधे सारनाथ पहुंचकर उन्होंने दर्शन किए। बीएचयू के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय के भारत रत्न पर लेकर उपजे विवाद के बीच उनके पौत्र गिरधर मालवीय ने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया है। गिरधर मालवीय ने कहा कि भारत रत्न को लेकर परिवार में कोई विवाद नहीं है, मेरी व्यक्तिगत इच्छा है कि इसे रिसीव करने के बाद बीएचयू को सौंप दिया जाए ताकि भारत रत्न को मालवीय भवन में रखवाया जा सके। मालवीय जी ने पूरी उम्र बीएचयू के लिए काम किया और उसे अपनी तपोस्थली बनाया, इसलिए महामना का ये वास्तविक सम्मान होगा। देखिए, मैं तो ये चाहूँगा कि ले करके उसको यहीं बीएचयू में रख दिया जाए, बस यही सबसे उचित होगा। तो सम्मान तो महामना का है, तो कैसे यहाँ पहुँचे उसके लिए कोई माध्यम रहे, कोई भी किसी कोई माध्यम हो, मुझे पता नहीं, क्योंकि मुझे अभी तक कोई सूचना नहीं है। लेकिन बस वो जहाँ से भी हो, मेरे ख्याल से उपयुक्त तो स्थान उसको रखने का बीएचयू होगा, इसमें वही उचित होगा कि यहीं पर जो मालवीय जी का कक्ष है, उनके जितने भी सामान यहाँ पर हैं, उसका प्रदर्शन किया हुआ है, उसी के साथ में उसको भी रखा जाएगा, तो सब लोग जानेंगे कि ये है। मेरी जितनी जानकारी है, मैं तो मानता हूँ यह विश्वविद्यालय मूर्तिमान मालवीय जी स्वयं है। यहाँ प्रवेश करने पर इसके कण कण में मालवीय जी की अनुभूति होती है। तो जो न्यायमूर्ति जी ने कहा है, मुझे लगता है कि अगर यहाँ रखा जाएगा, इससे अच्छा और क्या हो सकता है विश्वविद्यालय के लिए और मालवीय जी के लिए या मालवीय जी के परिवार के लिए। उधर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित तेल एवं गैस संरक्षण कार्यक्रम के मौके पर यूपी के राज्यपाल राम नाईक ने कहा कि हम अनाज और सब्जी तो दोबारा पैदा कर सकते हैं, लेकिन जमीन के अंदर से निकलने वाले तेल गैस और कोयला को दोबारा नहीं बना सकते। इनका इस्तेमाल घरों से लेकर उद्योगों तक में किया जाता है। ऐसे में जरूरी है कि इन्हें संभाल कर उपयोग में लाया जाए ताकि कम से कम नुकसान हो। राम नाईक ने कहा कि उनकी बहन के बेटे ने उनसे पूछा कि जो दीप जलाया जाता है उसका तेल भी तो बचाया जा सकता है। इस पर उन्होंने कहा कि दीप पेट्रोल या डीजल से नहीं, खाने वाले तेल से जलता है। राम नाईक ने कहा कि छोटे छोटे बच्चों में भी ऐसी जागरूकता देखकर बड़ों को भी उनसे सीखना चाहिए। यूपी में पड़ रही कड़ाके की ठंड ने यूपी सरकार के दावों की पोल खोल दी है। जहां सरकार का दावा था कि लोगों को शीतलहरी से बचाने के लिए उसने पर्याप्त इंतजाम किए हैं, वहीं पिछले 24 घंटे में ठंड से 25 लोगों की मौत हो गई है। प्रतापगढ़ और कौशाम्बी में दो दो, भदोही में 6, जौनपुर में 3 और चंदौली में 2 लोगों की मौत ठंड से हो गई है। ठंड और घने कोहरे के कारण ज्यादातर ट्रेनें भी देर से चल रही हैं और शीतलहर की मार झेल रहे लोगों को ठंड से राहत मिलने का नाम नहीं ले रही। और इस बीच यूपी सरकार ने इस पूरे मसले पर गंभीरता दिखाते हुए अब ये कहा है कि जल्द से जल्द राहत के इंतजाम किए जाएंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इन दिनों बाहर हैं। चलिए अब बढ़ते हैं पॉलिटिकल टॉप 10 खबरों की ओर। दिव्या हमारे साथ हैं।
शुक्रिया मैम, नजर डाल लेते हैं पॉलिटिकल टॉप 10 खबरों पर। यूरोपीय संसद ने एक ऐसा प्रस्ताव पारित किया है जो भारत से कहता है कि वो दो भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोपी इतालवी मरीनों को देश लौटाने की अनुमति दे। इस प्रस्ताव पर नई दिल्ली ने तीखी प्रतिक्रिया जताते हुए इस कदम को गलत सलाह करार दिया है। लोकसभा चुनाव और उसके साथ में संपन्न हुए कई विधानसभा चुनावों में कांग्रेस और बीजेपी ने अरबों रुपए खर्च किए हैं। इलेक्शन कमीशन के ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी 714 करोड़ रुपए खर्च कर पहले नंबर पर रही, जबकि कांग्रेस 516 करोड़ रुपए खर्च कर दूसरे नंबर पर रही। ममता बनर्जी सरकार के शरणार्थी राहत एवं पुनर्वास मंत्री मंजुल कृष्ण ठाकुर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष राहुल सिन्हा की मौजूदगी में उनके साथ उनके बेटे सुब्रत ठाकुर भी पार्टी में शामिल हुए। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि भविष्य की खाद्यान्न मांग को पूरा करने के लिए कृषि क्षेत्र में दीर्घकालीन निवेश की जरूरत है। वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक को उसके प्रयासों के लिए सराहना की है। पोप फ्रांसिस ने कहा है कि जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण जरूरी है और इसके नाम पर किसी भी धर्म का माहौल नहीं उड़ाया जा सकता, ऐसे करने वालों को उसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है। अमेरिका के लुसियाना के गवर्नर बॉबी जिंदल का कहना है कि वो टुकड़ों में बटी पहचान में विश्वास नहीं रखते हैं। उन्होंने कहा कि चार दशक पहले उनके माता पिता भारत से अमेरिका में अमेरिकी बनने आए थे। भारतीय अमेरिकी नहीं, वो खुद को पूरी तरह से अमेरिकी बताते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ताजा आंकड़ों के आधार पर इबोला प्रभावित क्षेत्रों में इबोला वायरस का कहर कम होने की उम्मीद जताई है। नए आंकड़ों के मुताबिक इबोला से सबसे ज्यादा प्रभावित 3 पश्चिम अफ्रीकी देशों में इस बीमारी के नए मामले में कमी आई है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के हत्यारे जगतार सिंह तारा का थाईलैंड ने भारत प्रत्यर्पण कर दिया है और पिछले 10 साल से भारत को जगतार सिंह की तलाश थी, उसे इसी महीने बैंकॉक से गिरफ्तार किया गया था। कोयला खानों की अगले महीने प्रस्तावित नीलामी में किसी खान के लिए बोलीदाताओं की संख्या अगर 3 से कम रहती है तो निविदा प्रक्रिया को रद्द किया जा सकता है। सरकार अगले महीने 23 खानों की नीलामी करने जा रही है। और शेयर बाजार में तेजी देखी गई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 46 अंक अधिक बढ़कर 28,121.89 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि निफ्टी 19.65 अंक बढ़कर 8,513.80 अंक पर बंद हुआ। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद राजकाज और न्याय मंच की खबरें राष्ट्रीय जी के साथ। और आप देख रहे हैं देश की बात। अब बढ़ते हैं राजकाज की ओर। फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष लीला सैमसन के इस्तीफे का मामला गरमाता जा रहा है। सेंसर बोर्ड की रोक और आपत्ति के बावजूद डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम की विवादास्पद फिल्म मैसेंजर ऑफ गॉड के रिलीज होने के बाद लीला सैमसन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सैमसन ने आरोप लगाया कि सदस्यों के हस्तक्षेप और अधिकारियों के दबाव के चलते उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष लीला सैमसन के केंद्र सरकार पर हस्तक्षेप के आरोप का सूचना प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने खंडन किया। केंद्र सरकार का बचाव करते हुए राठौड़ ने कहा कि उनके मंत्रालय ने हमेशा सेंसर बोर्ड का सम्मान किया है और उसके फैसलों से दूरी बनाए रखी है। उन्होंने आगे जोड़ते हुए कहा कि अध्यक्ष दबाव की बात करती हैं, सरकार के बतौर हम वो SMS या पत्र देखना चाहेंगे जिनमें उन पर या किसी अन्य सदस्य पर दबाव डाला गया है। It is in the government's policy, it is in the government's process that once the censor board takes a call and there is an appeal made in the FCAT, then the final decision lies with the FCAT.
डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख बाबा राम रहीम के जिस फिल्म MSG को लेकर इतना बवाल मचा है, जिस फिल्म को लेकर सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष लाल सैमसन तक ने इस्तीफा दे दिया है, उस बारे में बाबा राम रहीम को कुछ भी नहीं मालूम, वाकई ये हैरत में डालने वाली बात है। बेटा जिनकी हम नाम ही नहीं जानते, हमें क्या पता उसने क्यों दिया है, आप उनसे पूछिए ना जाके उन्होंने क्यों दिया है, उनको पता होगा, जिनका हमारे से कोई वास्ता ही नहीं, हम उनसे मिले ही नहीं, हमें क्या पता होगा क्या करें। उधर के बाबा राम रहीम की फिल्म मैसेज ऑफ मैसेंजर ऑफ गॉड के खिलाफ लोगों ने गुड़गांव में प्रदर्शन किया, हालांकि राम रहीम का कहना है कि बिना फिल्म देखे किसी फैसले पर नहीं पहुंचना चाहिए। जिस चीज को आपने देखे नहीं क्या सुन के पता चल जाता है कि विरोध करना चाहिए, क्योंकि उसमें आप ऐसी आपने खुद सुना होगा, सबने टीवी चैनलों में आपके सबके चला हुआ है वो जो ट्रेलर है कि भाई कोई हमें फकीर कहता है, कोई संत कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई फरिश्ता कहता है, पर हम तो हैं एक इंसान, तो इससे बड़ी चीज और हम क्या कहें, और अभी आपके सामने करें भी हम तो एक से भी। और आगे बढ़ूं और बात करूंगी कांग्रेस की और उसकी इस MSG पर प्रतिक्रिया की, लेकिन इसके पहले एक दर्शक को जोड़ लेती हूं। हमारे साथ शिरोमणि जुड़ रहे हैं भागलपुर बिहार से, बहुत बहुत शुक्रिया आपका देश की बात के साथ जुड़ने के लिए। हमारा आज का सवाल आपके लिए याद दिला दूं कि हमारा आज का सवाल था कि क्या आपको ऐसा लगता है कि दिल्ली में BJP देवियों के भरोसे हो गई है? नहीं, ये तो मैं पूरी नहीं मान रहा हूँ, 50-50 चांसेस इसके लग रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत ऐसे कंधावर नेता लोग हैं, लेकिन ये 50-50 चांसेस का फिलहाल नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया शिरोमणि जी। और बाबा राम रहीम की फिल्म को अब राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, और विवादित फिल्म MSG के रिलीज होने से नाराज फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष लीला सैमसन के इस्तीफे पर कसकर राजनीति भी हुई, और कांग्रेस ने भी इस मामले में सरकार को दखल देने की मांग करने लगी और इसे ज्यादा तूल देने की कोशिश की। बात करते हैं पेट्रोलियम मंत्रालय की एक खास तरीके की, जिसमें वो आपकी जेब पर डाका डालने की तैयारी कर रहा है। जी हाँ, मंत्रालय ने केंद्र सरकार से मांग की है कि रसोई गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी को उपभोक्ता की आय में शामिल किया जाए। अगर ये प्रस्ताव मान लिया जाता है तो अगले साल से इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से सब्सिडी पर भी टैक्स देना पड़ सकता है। इस कवायद का मकसद ये है कि सब्सिडी केवल जरूरतमंदों को मिले। सरकार ने कुछ समय पहले ही स्वैच्छिक सब्सिडी जोड़ने के लिए प्रचार प्रसार शुरू किया था, लेकिन 6 महीने बीत जाने के बाद ही महज 9,000 लोगों ने ही सब्सिडी छोड़ी है। इसलिए अब पेट्रोलियम मंत्रालय चाहता है कि आयकर दाता भले ही गैस सब्सिडी न छोड़े, लेकिन इसे आय मानते हुए टैक्स जरूर भर दें। मंत्रालय का मानना है कि रसूखदार लोग आयकर विवरण में इसकी जानकारी देने से बचने के लिए सब्सिडी लेना बंद कर देंगे। आइए ग्राफिक्स तो यदि इसको आंकड़े में समझा जाए तो आपके जेब पर कुछ डाका पड़ने वाला है, यानी कि अब यदि आप सब्सिडी लेंगे तो आपकी आय बढ़ेगी, और आय बढ़ेगी तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये सरकार का फॉर्मूला है, सब्सिडी एक तरफ और दूसरे हाथ से आय कर लेना। चलिए बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। विवादों में रहने वाले दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर दिनेश सिंह पर अब पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए मिलने वाली राशि में हेरा फेरी करने का आरोप लग गया है। इस बाबत कुछ सांसदों ने मानव संसाधन मंत्रालय को चिट्ठी भी लिखी है। CPM नेता सीताराम येचुरी और कांग्रेस के हुसैन दलवी ने अलग अलग लिखी चिट्ठियों में ये आरोप लगाए हैं। दिनेश सिंह पर आरोप है कि पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए मिलने वाली करीब 172 करोड़ की राशि का इस्तेमाल लैपटॉप खरीदने में किया गया। खबरों के मुताबिक मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने ये चिट्ठियां राष्ट्रपति के पास भेज दी हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के VC के बारे में फैसले का अधिकार राष्ट्रपति को ही है। दिनेश सिंह पहले भी विवादों में रह चुके हैं। 4 साल के डिग्री कोर्स को लेकर पिछले साल उनकी सरकार से काफी खींचतान हुई, आखिर में उन्हें हार माननी पड़ी और 3 साल के डिग्री कोर्स को बहाल करना पड़ा। आतंकी गतिविधियों को देखते हुए देश में हाई अलर्ट है। सार्वजनिक जगहों से लेकर संवेदनशील स्थानों पर खुफिया एजेंसियां और सुरक्षा बलों की पैनी निगाह है। बावजूद इसके आतंकी धमकियां मिलने का मामला कम नहीं हो रहा है। अब मुंबई एयरपोर्ट के टॉयलेट से धमकी भरा एक पर्चा मिला है, जिसमें धमकी दी गई थी कि 26 जनवरी को देश में आतंकी हमले किए जाएंगे। इस चिट्ठी में आतंकी संगठन ISIS नाम का जिक्र है। इस चिट्ठी के मिलने के बाद से CISF ने मुंबई एयरपोर्ट पर सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया।
टॉयलेट से एक और धमकी भरा खत भी मिला है जिसमें लिखा है कि आईएसआईएस का 10 जनवरी को किया जाने वाला आतंकी हमला फिलहाल टाल दिया गया है। इससे पहले इसी महीने की 7 तारीख को भी मुंबई एयरपोर्ट के टॉयलेट में आतंकी हमले की धमकी वाला संदेश मिला था। ताजमहल का दीदार करने आगरा आ रहे अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के लिए होटल ओबेरॉय अमर विलास में खास इंतजाम किया गया है। इस होटल के बाथरूम से भी वो ताज दीदार कर सकेंगे। फिलहाल इसमें कोहिनूर स्वीट को भव्य रूप से सजाया जा रहा है। यह होटल ताजमहल से महज 600 किलोमीटर की दूरी पर है। कोहिनूर स्वीट की खासियत है कि इससे बेडरूम, बाथरूम और बालकनी, स्पा और टी लाउंज हर जगह से ताज देखने को मिलता है। चलिए अब ब्यूरोक्रेसी टॉप 5 खबरें लेते हैं दिव्या से। शुक्रिया मैम, नजर डाल लेते हैं ब्यूरोक्रेसी टॉप 5 खबरों पर। भारत सरकार ने सभी राज्यों के डायरेक्टर जनरल से आईपीएस अधिकारियों के घरों में तैनात स्टाफ की जानकारी मांगी है। कुंदन कुमार कैबिनेट मंत्री राजीव प्रताप रूड़ी के निजी सचिव नियुक्त किए गए हैं। रूड़ी 2004 बैच के बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी हैं कुंदन कुमार। सुधांशु कुमार कैबिनेट मंत्री गिरिराज सिंह के निजी सचिव बनाए गए हैं। सुधांशु 1996 बैच के बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। अनुपम श्रीवास्तव को बीएसएनएल का सीएमडी बनाए जाने के प्रस्ताव को एसीसी की मंजूरी मिल गई है। और जनरल मैनेजर केपी ब्रह्मा को नेशनल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। और देश की बात को आगे बढ़ाते हैं राष्ट्रीय जी के साथ। शुक्रिया दिव्या। और अब हम देख लेते हैं न्याय मंच की खबरें। केंद्र सरकार ने केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी के पदों पर नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि वह मंजूरी दे दे। सरकार की इस अर्जी से इस बात का संकेत है कि शायद सरकार ने सीवीसी के नामों पर फैसला कर लिया है। सीवीसी के मुखिया और एक आयुक्त का पद बीते साल सितंबर से खाली है। केंद्र का तर्क है कि इन पदों पर नियुक्ति के लिए चयन का कार्य संवैधानिक अधिकारी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने केंद्र सरकार से कहा था कि चीफ विजिलेंस ऑफिसर यानी सीवीसी और विजिलेंस कमिश्नर की नियुक्ति उसकी इजाजत के बगैर न की जाए। कोर्ट ने केंद्र सरकार से सिलेक्शन प्रोसेस का ब्यौरा भी मांगा था। हालांकि चीफ जस्टिस एचएल दत्तू और जस्टिस मदन बी लोकुर की डिवीजन बेंच ने केंद्र सरकार को सिलेक्शन प्रोसेस जारी रखने की इजाजत दे दी थी। हिंदी में कामकाज को बढ़ावा देने का दावा करने वाली मौजूदा एनडीए सरकार ने कहा है कि अगर कोर्ट के कामकाज के लिए हिंदी को आधिकारिक भाषा करार दिया जाए तो तमाम अदालती कार्यवाही प्रभावित होगी। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि किसी भी भाषा को जजों पर नहीं थोपा जा सकता। हिंदी को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कामकाज की आधिकारिक भाषा बनाने के लिए दायर एक याचिका पर केंद्र ने बात कही है। केंद्र ने अपने हलफनामे में कहा कि हर एक नागरिक और हर जज को कोर्ट में दिए गए फैसले जानने समझने का अधिकार है और यह स्वीकार करना चाहिए कि अंग्रेजी ही अभी फिलहाल ऐसी भाषा है जिससे यह काम हो सकता है। 18वें लॉ कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा कि शीर्ष अदालत में हिंदी को अनिवार्य करना संभव नहीं है। कमीशन की सिफारिशों को मानते हुए केंद्र ने संविधान में संशोधन कर हिंदी को कोर्ट के कामकाज के लिए आधिकारिक भाषा बनाने से इनकार कर दिया है। हर्ष फायरिंग केस की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने फैसला किया है कि लाइसेंसी हथियारों को सार्वजनिक स्थानों पर ले जाने पर पाबंदी होगी। कोर्ट ने अपने आदेश में राज्य सरकार के 16 संस्थानों और केंद्र के 26 संस्थानों समेत कुल 42 सार्वजनिक जगहों पर हथियार ले जाने की रोक लगाई है। इसके साथ ही असलहा लाइसेंस लेने के लिए भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में 42 सार्वजनिक स्थलों का प्रमुख रूप से जिक्र किया है जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट, लखनऊ पीठ, सभी जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय, बैंक, बीमा कार्यालय, डाकघर, कारागार, विधान भवन, सचिवालय, राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, सभी हवाई अड्डे, राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद, काशी विश्वनाथ मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि, ताजमहल, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, शासकीय और निजी अस्पताल, शैक्षिक संस्थान, सरकारी कार्यालय और सरकारी पार्क शामिल हैं। हाईकोर्ट ने सरकार को इस बात को विधिवत तरीके से पब्लिसिटी करने का आदेश दिया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा की निठारी कांड में दोषी सुरेंद्र कोहली को राहत देते हुए उसकी फांसी पर लगी रोक को 28 जनवरी तक बढ़ा दिया है। कोहली की फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील किए जाने की मांग को लेकर सामाजिक संस्था PUDR ने अक्टूबर महीने में इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक PIL दाखिल की थी। बाद में सुरेंद्र कोहली की तरफ से भी अदालत में अर्जी दाखिल की गई। इन दोनों की ही अर्जियों में कोहली की दया याचिका पर निर्णय लेने में राज्यपाल राष्ट्रपति के यहाँ 3 साल 3 महीने तक की देरी के को सबसे बड़ा आधार बनाया गया। फिलहाल इस मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने तहलका यौन उत्पीड़न मामले की सुनवाई पर 3 हफ्ते की रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई गोवा की निचली अदालत में चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही गोवा पुलिस को आदेश दिए हैं कि मामले से जुड़े दस्तावेज तेजपाल को दिए जाएं। तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल का ट्रायल वहां पर अभी ट्रायल पर रोक लगाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी। तेजपाल को सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल जुलाई में जमानत देकर गोवा की अदालत को 8 महीने में ट्रायल पूरा करने को कहा था। और लीगल टॉप 5 खबरें देख लेते हैं दिव्या से। शुक्रिया मैम, नजर डाल लेते हैं लीगल टॉप 5 खबरों पर। वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब अब वो दिन दूर नहीं जब बच्चे भी अस्पताल में नजर आएंगे। शारदा चिटफंड घोटाले में आरोपी मदन मित्रा की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ाई गई है। कलकत्ता हाईकोर्ट में मदन मित्रा को कैबिनेट से हटाए जाने के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है। मदन मित्रा ममता कैबिनेट में ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं। ओडिशा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 2012 में 14 साल के बच्चे की अप्राकृतिक तरीके से हुई मौत पर जवाब मांगा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने यमुना के किनारे मूर्ति विसर्जन और धार्मिक कार्यों के लिए स्पेशल घाट बनाने का निर्देश दिया है। वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद देखेंगे चौथे स्तंभ की खबरें राशि जी के साथ। अब बात करेंगे चौथे स्तंभ की। करीब एक साल पहले अपनी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के बाद लगातार मीडिया की नजरों में रहे हैं कांग्रेस सांसद शशि थरूर। अब वो मीडिया से खफा हैं। मीडिया को आड़े हाथे लेते हुए शशि थरूर ने कहा है कि सुनंदा की मौत के मुद्दे पर उन्हें दिन रात बदनाम किया जा रहा है। सुनंदा की मौत से जुड़े किसी सवाल का जवाब देने से इनकार करते हुए थरूर ने कहा कि 2400 घंटे चलने वाले न्यूज चैनलों और ब्रेकिंग न्यूज और TRP के दबाव की वजह से हमेशा सनसनी पैदा करने की कोशिश की जाती रही है और इसके निशाने पर मैं हूं। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते दिल्ली पुलिस ने सुनंदा की मौत के मामले में हत्या का केस दर्ज किया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने यहां पत्रकारों को बताया कि मीडिया में मेरे बयान का गलत मतलब निकाला जाता है, मुझे दिन रात बदनाम किया जा रहा है। और इस बीच में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काफी प्रशंसा की। गौरतलब है कि शशि थरूर लिटररी फंक्शन में कोलकाता में थे और वहां अपने एक किताब के विमोचन पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खूब प्रशंसा की और जिसकी वजह से अब कांग्रेस में नाराजगी दिख रही है। चलिए अब एक अपने दर्शक को जोड़ लेते हैं। अंकुर इलाहाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंकुर, बहुत शुक्रिया देश की बात के साथ जुड़ने के लिए। हमारा आज का सवाल है कि क्या आपको लगता है कि दिल्ली में BJP देवियों यानी कि किरण बेदी, शाजिया इल्मी जैसे देवियों के भरोसे हो गई है? जी मैम, अभी तक दिल्ली में BJP के पास कोई चेहरा नहीं था जी। और जैसा कि देख रहे हैं कि पिछले 2-3 दिनों में लगातार महिलाएं आई जा रही है, तो इसको कहने में कोई हर्ज नहीं है कि अब BJP में दिल्ली महिलाओं के भरोसे है। शुक्रिया, शुक्रिया आपका अंकुर। और अब आज का हमारा जो जवाब है वो दिखा दें आपको। हमारा सवाल था कि क्या देवियों के भरोसे है दिल्ली में BJP। लगभग 63% हमारे दर्शकों का मानना है कि हाँ, दिल्ली में देवियों की भरोसे ही है BJP, और 37% लोगों का कहना है कि ऐसा नहीं है।
और अब आज का संपादक, आज के हमारे संपादक हैं प्रोफेसर बी आर गुप्ता, उनका ये विशेष संपादकीय आपके लिए जो उन्होंने आपके ही राजनीति पर और आपसे टूटे हुए नेताओं की राजनीति पर लिखा है। भ्रष्टाचार के विरोध में उपजे जन आंदोलन ने अन्ना की मार्फत समूचे देश को झकझोरा था। अनेक नौजवान बेरोजगार, गरीब, रिश्वतखोरी से तंग आए लोग, व्यवस्था से परेशान आमजन, छोटी मोटी तकलीफों के अजाब को झेलते आमजन, सैलाब की मानिंद जब उमड़ते हैं तो बदलाव लाजमी है। परिवर्तन का पहिया क्रांति को जन्म देता है। अन्ना हजारे का भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल बिल सत्ता के लिए जहां नासूर साबित हुआ, वहीं आंदोलन से तैयार हुई इस जमीन पर आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के प्रयास से राजनीतिक चोला धारण करती है। आम आदमी और युवाओं के भरोसे राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ती है। इसमें कुछ समझदार और अवसरवादी लोग दूर की कौड़ी चलने में सफल होते हैं। रिटायर्ड सेना प्रमुख वीके सिंह अपने पूर्व सैनिक अन्ना को पटना घुमाते हैं, गोलघर की सैर कराते हैं, लेकिन खुद भाजपा की गोद में जा बैठते हैं और केंद्र में मंत्री बन जाते हैं। पर अन्ना आज भी गोल गोल घूम रहे हैं। आम आदमी राजनीति में गैर तजुर्बेकार ही होते हैं। भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, गुंडई और व्यवस्था से उनके लिए लड़ पाना टेढ़ी खीर होता है। प्रशासक बनकर भी उन्हें पुलिस अफसरों की घुड़की और झिड़की का शिकार होना पड़ता है। उनकी बदली कराने के लिए सीएम सरीखे पदाधिकारी को धरना देना पड़ता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ करने की हसरतें हाथ मलती रह जाती हैं। नतीजतन छोड़नी पड़ जाती है कुर्सी। पूरे मुल्क की रहनुमाई करने वाली दिल्ली की आबादी 7 फरवरी को भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की मुहिम को बैलेट के जरिए अंजाम देना चाहेगी। आम आदमी का तोड़ आम आदमी के जरिए ही समझदार लोग कराते हैं। भाजपा ने भी यही हथकंडा अपनाया। जहां ममता के मंत्री मंजुल कृष्ण ठाकुर का भगवाकरण किया, वहीं अन्ना और अरविंद की सहयोगी किरण बेदी को आपके तथाकथित भीष्म के सामने ला खड़ा किया। शतरंज की बिसात पर बादशाह उतारने की जरूरत नहीं समझी भाजपा ने। दूसरों के खेमे में विभीषण तलाशती भाजपा ने प्यादे से फर्जी बनी बेदी को ही शह देने के लिए उतारा। प्रोफेसर बी आर गुप्ता, पूर्व सलाहकार संपादक, भास्कर ग्रुप। और देश की बात में आज के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे आपके सामने हम सोमवार को लोकतंत्र और देश की बात के एक नए सफर के साथ। लेकिन तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए एपीएन के साथ। नमस्कार।